বিন্দু দিয়া করো এই দাসে না পেছায়াতি Oh,
आपका जी करता हूँ माई बहन। हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज Thank you.
देखो आज श्री व्यास देव जी का आज जन्मदिन, इसलिए आज सारी दुनिया में ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, बोले क्यों? कि आज श्री व्यास देव जी का आज जन्मदिन। कहिए व्यास देव है कौन? कहिए व्यास नारायण स्वयं कृष्णदास जो व्यास है, कहिए व्यास नारायण स्वयं। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत्यात्मान सृजाम्यहम्। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जगत में जब जब जगत में धर्म की हानि होने लग जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्री इनको पर अत्याचार होने लगता है, मैंने क्या कहता हूँ, युग युग में मैं अवतीर्ण होकर के भक्तों को धर्मों पर रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। कहते उसी तरह जब आज का दिन, कहते जो व्यास दे, कहते भगवान की ये सत्याद सवदार है। बोले एक समय श्री पराशर ऋषि यमुना नदी को पार करते हुए एक तरफ से दूसरे तरफ में आए। अभी वापस जाते जाते हो गया रात। जब रात हो गई, अभी पहले जो केवट लोग होते थे वो नदी किनारे में रहा करते थे, यमुना किनारे में रहते थे, कोई आता था उसको पहार लगा देते थे। अभी जब से पराशर ऋषि आए, बिना शाम हो गया, तो उन्होंने जोर जोर से पुकारा, बोले केवट भैया हमें ये यमुना नदी पार करा। कहते श्री केवट के एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती। कहते ये सत्यवती बड़ी सुंदर देखने में, बड़ी प्यारी थी। कहते ये सत्यवती की जन्म कहाँ से हुई? बोले मछली के पेट से। इसलिए मछली के पेट से जन्म हुई, इसलिए इसका और एक नाम था मत्स्य गंगा। अभी प्रश्न आता है, भैया मछली के पेट से नहीं आदमी जन्म लेता है, मछली से तो मछली जन्म लेते हैं, पर ये मछली के पेट से ये सत्यवती के जन्म होगी। कहते किसी ऋषि की अभिशाप से एक मछली, एक ऋषि की अभिशाप से है, कहते स्वर्ग का कोई एक गंधर्व भी थी, कुछ उल्टा पुल्टा थी, तो ऋषि ने अभिशाप दी, वो अभिशाप से वो मछली बनी। एक समय आकाश में एक उपरिचर वसु एक गंधर्व उड़ते हुए जा रहा था, जाते समय उसकी रेत स्खलित हो, स्खलित होने पर इतने में वो मछली ने वो रेत को ग्रहण कर ली। ठाकुर सब इच्छा है, इसलिए ये मछली के पेट में बड़ी सुंदर थी। अभी ये केवट ने जब ये मछली को पकड़ा, उसका पेट फड़ा तो अपूर्व सुंदरी एक लड़की जन्म हुई। वो मछली के पेट से जन्म हुई, इसलिए इसका नाम था मत्स्य गंधा नाम था। लेकिन बड़ी सुंदरी क्यों? वो जो मछली वो भी एक अवसर थी, और जिनके रेत स्थली थे वो भी एक अवसर आ, इसलिए स्वर्ग के, इसलिए बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी थी। इतने में श्री केवट ने कहा, बेटी ऋषि आए हैं, उनको नदी पार करा था, यमुना पार करा था। जब वो यमुना नदी पार करा रहे थे, बीच में एक टापू सा था, वहीं पर नाव जाकर लग गया, चारों तरफ में कोहरा कोहरा फैल गया। श्री पराशर ऋषि अपना दिव्य दृष्टि से देखा, ये बेटी कोई साधारण बेटी नहीं, इसलिए उन्होंने उनको प्रति अपना दिव्य दृष्टि से देखा। वो देखते ही वो बेटी गर्भवती हुई, और गर्भवती होते ही श्री व्यास देव जी जन्म लिए। बोले श्री व्यास देव की जय। लेकिन जब व्यास देव जन्म हुए ना, जैसे 16 साल की जैसे लगती, देखने में कृष्ण जैसे रंग अपूर्व सुंदर, इसलिए इनका एक नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण मतलब कृष्ण जैसे काले, वो भी देखने में काले श्याम रंग थे। द्वैपायन मतलब वो दीप जो टापू सा था वहीं से जन्म हुए,
वेदव्यास मतलब होता है पहले जो वेद एक ही वेद था, उनने एक वेद को अपना जो बदृष्टि से देखा कि कलयुग आ रहा है, धीरे धीरे लोगों का बुद्धि ह्रास होते जाएगी, इसलिए उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया। फिर उन्होंने उपनिषद, वेद मतलब होता है जो भगवान को जनाते, वेदय तीति वेद, उसके बाद उन्होंने उपनिषद प्रकाशित किया। उपनिषद का मतलब होता है, उप मतलब होता है पास में, निषद मतलब जीव को जो भगवान तक पहुंचाते। फिर उन्होंने पुराण को रचना की, फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र को रचना की, फिर देखा स्त्री और शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर पंचम वेद उन्होंने श्री महाभारत को उन्होंने रचना किया। लेकिन इतना रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली, तब भगवत इच्छा से श्री नारद किया है, फिर अशांत का कारण बताए, बोले देखो इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है, बोले जथा धर्म दृष्टा था मुनि परज्ञान कृतित न तथा वासुदेव स महिमा जिनको, तुमने दूसरे दूसरे धर्म को कैसे पैसा कमाओ, कैसे उसको दान दो, कैसे स्वर्ग में जाओ, तुमने ये धर्म अर्थ काम यहाँ तक मोक्ष को भी तो बढ़ा चढ़ा करके बताया तुमने, लेकिन भगवान की महिमा को तुमने जान नहीं, किंतु जो जीव का जो स्वरूप है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम सब के सब भगवान की नित्य सेवक नित्य दास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं जाए, जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करे, तब तक जीव को ये परम शांति मिलने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ उनको उपदेश दिया है, कहते संत लोग एक राजहंस है, संत लोग राजहंस है, जो कौवे है ना, जहाँ पर जूठन पड़ा रहता है वो कौओं का तीर्थ है, लेकिन जो भगवान की जो भक्त है वो राजहंस है, वो मान सरोवर में रहते हैं, मान सरोवर में क्या करते हैं, जो कमल मधुओं को पान कर उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान भले ही टूटी फूटी बात क्यों नहीं हो, अगर उसमें ठाकुर जी की कथा होना बड़े आनंद पूर्वक उनको सुनते हैं, उसको पान करते हैं। इसलिए अभी तुम इसके बाद भागवत ग्रंथ रचना करो, भागवत ग्रंथ सहित में परम शांति और परम आनंद मिले। इसलिए श्री व्यास देव जी उन्होंने क्या किए, बोले भक्ति योगेन सम्यक प्रणीत अमले अपश्यम पुरुषम पूर्णं माया च तत् अपासः। जब श्री व्यास देव जी भक्ति योग को द्वारा ध्यानस्थ हो गए, बोले अपश्यम पुरुषम पूर्णं, उन्होंने पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र को दर्शन किया, तब क्या अकेला कृष्ण को देखा, बोले नहीं, उनको साथ में श्री राधा रानी को देखा, बोले और भी तो कुछ देखा होगा, बोले जितने सखियां मंजरी उनकी ग्वाल वाल सबको उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करके अभी उन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को रचना किया। इसलिए अगर श्री व्यास देव नहीं होते, अगर ये ग्रंथों को रचना नहीं करते, हमें कुछ ही नहीं पता चलता ये संसार क्या, कहाँ से आए, हमें क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसका नाम शास्त्र है, शास्त्र मतलब जो हमें शासन करके गलत रास्ता से हमें सही रास्ता दिखा दे, इसलिए इसको शास्त्र कहते हैं। इसलिए आज का दिन श्री व्यास देव का जन्म तिथि आज का दिन है, इसलिए ये व्यास भगवान नारायण स्वयं व्यास थे, सारे ग्रंथ पर रचना करते हुए हमें दिव्य ज्ञान प्रदान की। इसलिए श्री व्यास देव का जन्म तिथि होने का नाते आज का दिन व्यास पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है, आज का दिन गुरु पूर्णिमा भी होता है, हर व्यक्ति आज का दिन अपना अपना गुरु जी को भी पूजा करते हैं, फिर गुरु जी को भी पूजा करते हैं, आज तो श्री व्यास देव का जन्मदिन है, फिर ये गुरु जी का पूजा क्यों करते हैं, कारण क्या है, बोले कारण ही व्यास मतलब होता है विस्तार करना, क्या करना, व्यास मतलब होता है भगवान की कथा को विस्तार करना, इसको कहते हैं व्यास।
कहते व्यास धर्म में क्या की थी, बोले भगवान की लीला तो विस्तार किया था, इसलिए हमारे गुरु जी उसी परंपरा से ही हम लोग जो भजन गाते हैं ना, कृष्ण हरि ते चतुर्मुख हरि कृष्ण सर्वमुख ब्रह्मा हरि ते नारद है। सर्वप्रथम भगवान ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा को बताने की, ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, नारद जी व्यास देव को दिया और व्यास देव मध्वाचार्य को दिया, ताकि ये सत्य युग से ये ज्ञान गुरु परंपरा रूप में उन्होंने उनको गुरु जी को उन्होंने उनको गुरु जी को उन्होंने उनको गुरु जी को करते 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 ये दिव्य ज्ञान अभी हमारे पास पहुंचा है। इसलिए व्यास मतलब विस्तार करना होता है, जैसे व्यास देव ने सारे ग्रंथ को विस्तार की, हमारे गुरु जी यही करते हैं। क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम को, भगवान की गुण को, भगवान के लीला को, भगवान की कथा को हमारे गुरुदेव क्या कर रहे हैं, दुनिया में विस्तार कर रहे हैं, दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन हमारे भारत में हर व्यक्ति अपना अपना गुरु जी को पूजा करते हैं, इसलिए हम सबके सब श्री व्यास जी के चरण में हम ऋणी हैं। इसलिए हम आज श्री व्यास जी का व्यास पूजा करते हैं। अभी ये व्यास पूजा है क्या जी, ये व्यास पूजा आई काम से, हमें ये व्यास पूजा करनी क्यों चाहिए, इसलिए आज हमारे बीच में श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, गुरु जी बड़े प्रिय शिष्य हैं, प्रभु जी बड़े बड़े कलेज में जा करके हैं, ये प्रभु जी हैं, ये प्रभु जी ये कलेज में जा करके बच्चों को प्रचार करते हैं, इसलिए ये अपने बच्चों को प्रचार कर, देखो यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे आए थे जिन्होंने प्रभु जी जिनको उन्होंने प्रचार करके कलेज में जा करके प्रचार करके ये बच्चों को वहाँ से मन लेकर आए, ये अपने बच्चों को लाए। और मेरे गुरु जी कहते थे, देखो मेरे गुरु जी कहते थे, जैसे ठाकुर जी के चरण में एक फूल चढ़ा, कितना समय तक वो फूल रहेगा, थोड़ी बार में धीरे 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 बुरझाने लग जाती है, धीरे धीरे उसका खुशबू खत्म हो जाते हैं, खुशबू खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते थे, लेकिन जो इंसान है, जो जीव है, ये जीवन का पुष्प है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, अगर एक व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से समझा करके भगवान की भक्ति में अगर कोई लगा दे, प्रभुपाद कहते थे, अगर एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ अस्पताल खोल दे, करोड़ करोड़ स्कूल कलेज खोल दे, उसमें जो पुण्य होगी, अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में अगर कोई लगा दिया ना, उससे अनंत करोड़ गुण मिला हो, अनंत करोड़ गुण। इसलिए प्रभु जी बहुत सारे यंग बच्चों को, यंग मतलब एकदम खिले हुए फूलों को उन्होंने लाए, और ये फूल कभी मुरझाने वाले नहीं, सूखने वाले नहीं, ये फूल धीरे 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 और भी प्रकाशित होता है, विकसित होता है और उसका खुशबू सारा दुनिया में जाएगा। इसलिए प्रभु जी बहुत ऐसे बच्चों को उन्होंने भजन में लगा है, अब इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप लोग सब इनकी कृपा माता है, और इनको पर आप आशीर्वाद, इनको पर आप आशीर्वाद दो, जैसे कि शरीर से सुस्त रहे और जैसे कलेज में जाकर के हमारी अभी तक हमारी मंदिर में कोई कलेज में जाकर के किया हम बच्चों को प्रचार नहीं किया, लेकिन एक प्रभु है जो कलेज में जा करके बच्चों को प्रोजेक्ट के द्वारा हम प्रोजेक्ट दिखा करके कलेज में बच्चों को जा करके प्रचार करते हैं, महाप्रभु का वाणी को प्रचार करें और भगवान का कृपा और आशीर्वाद मिले, गुरु गुरु वैष्णव का सेवा सेवा करें। कहते श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी हर आपको थोड़े से भगवान की कथा सुना उम्र ज्ञान के बिना दस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरोन्मीलित तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र
श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु वरों के चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में जन्म प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सही भक्तों को मेरा यथे योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। महाराज जी कह रहे हैं फलता फूलता रहे हो कितना फूलेंगे। महाराज जी के चरणों में बैठ के इतना प्रसाद खाते रहते हैं। हमारे गुरु जी परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उनका जो मठ था वो बाहरी दृष्टि से स्थान बहुत छोटा था। तो परम गुरुदेव हमारे बोलते थे कि मैंने अपने इस मठ के अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा लगाया है और उसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। तो एक बार एक सेठ दर्शन करने के लिए आया, भाई कौन सा बगीचा है, कितने फूल खिले हैं। तो आके देखा कि मठ का स्थान तो बहुत छोटा है, ऐसा तो कोई बगीचा नहीं है जहाँ पे फूल खिले हो। तो हमारे परम गुरु जी बोले कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, अंधे हो, इतने सारे तो फूल खिले हुए हैं कि जितने भी भक्त हैं ये सारे के सारे भक्त क्या है, ये फूल है। और जब ये यहाँ से जाएंगे, जैसे महाराज जी बोल रहे थे मुरझाता नहीं है, परम गुरुदेव बोले कि जो फूल मैंने लगाया कभी मुरझाएगा नहीं, उसकी सुगंध जो है त्रि जगत में जाएगी। जैसे ये जो फूल है इसकी सुगंध आप तक नहीं आएगी, मेरे तक भी नहीं आनी। तो ये ऐसे फूल हम मैंने खिलाए हैं, परम गुरुदेव बोलते थे इनकी सुगंध देखना पूरे विश्व में जाएगी। और फिर देखने को मिलता है कैसे हमारे गुरुदेव जी का भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज पूरे विश्व में उनकी सुगंध गई और आज तक विदा रहे हैं। उसके बाद फिर उन्हीं के अनुगत्य में हमारे भक्ति विधान श्रीधर गोसाई महाराज जी, कैसे महाराज जी की सुगंध चाइना में भी चली गई, ऑस्ट्रेलिया में भी चली गई, यूरोप में भी चली गई, गली में भी आ गई, नोएडा में भी आ गई, हर जगह इनकी सुगंध जा रही है। एक होता है असली फूल, एक होता है नकली फूल। अब जो असली फूल होता है उसमें से तो सुगंध आती है, और नकली फूल को अगर उसके साथ टच कर दो तो क्या होगा, कुछ समय के लिए उसमें भी कुछ सुगंध आ जाएगी। तो हम तो नकली फूल है, महाराज जी के पास बैठते तो थोड़ी थोड़ी सुगंध आ जाती है, जैसे दूर जाते हैं सुगंध गायब हो जाती है। तो इसलिए हम लोग, हमारे गुरु जी बोलते थे कि व्यास पूजा क्या होती है। व्यास पूजा के दिन गुरु जी बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि ये मत समझना कि आज व्यास पूजा है, मैं गुरु आसन पे बैठा हूँ और सबसे पूजा ग्रहण कर रहा हूँ, तो बाद में तुम भी एक दिन गुरु बन जाओगे, तुम भी पूजा ग्रहण करोगे। नहीं, व्यास पूजा होती क्या है, गुरु जी बोलते थे कि व्यास पूजा का अर्थ होता है कि आज के दिन गुरु अपने गुरु की पूजा करेगा। अपने गुरु ही नहीं, अपने परम गुरु, परात्पर गुरु, परेश्वरी गुरु, यानी कि जो पूरी गुरु परंपरा है, पूरी गुरु परंपरा वेद व्यास जी तक लेके ब्रह्मा जी तक लेके अपने गुरु की पूजा करेगा और अपने शिष्यों को एक शिक्षा देगा कि कैसे अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, इसको बोलते हैं व्यास पूजा। तो आज के दिन गुरुवर क्या करते हैं, आज के दिन गुरुदेव अपने गुरु की पूजा करते हैं, वो अपने गुरु की करते हैं, वो अपने गुरु की करते हैं। इस प्रकार से इस क्रम में ये पूजा कहाँ तक पहुँचती है, कृष्ण हैते चतुर्मुक्त हरे कृष्ण सेवन मुक्त ब्रह्मा हैते नारद मुक्ति बंदे जगत गुरु। कौन है, कृष्ण, बंदे कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण से ही सारी गुरु परंपरा आई है। तो आज के दिन जब हम अपने श्रद्धा को, अपनी पुष्पांजलि को जब गुरुदेव के चरणों में देते हैं तो गुरुजी उसको रखते नहीं है, उसको क्या करते हैं, अपने गुरुदेव के पास दे देते हैं। तो जो श्रद्धा हम गुरु जी के पास लेके जाते हैं वो आगे अपने गुरु को, वो अपने गुरु को, इसी क्रम के अनुसार हमारी जो पूजा है वो कहाँ तक पहुँचती है, राधा गोविंद के चरणों में पहुँचती है। इसलिए गुरु जी बोलते थे कि व्यास पूजा के दिन मेरे पास तुम क्या लेके आते हो, मिठाई लेके आते हो, फल लेके आते हो, प्रणामी लेके आते हो। लेकिन गुरु जी बोलते थे नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या दो, मुझे अपनी सबसे गंदी वस्तु दे दो। और अगर देखा जाए तो सबसे गंदी वस्तु क्या है, हमारा मन, हमारा मन सबसे गंदा है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि व्यास पूजा में तो मुझे अपनी सबसे गंदी वस्तु दियो। अब वो सोच रहा है कि मेरे पास सबसे गंदी वस्तु कौन सी है, अपने घर में सारा कचरा निकालने लग गया। अब कचरा निकालते निकालते देखा कि हाँ ये कचरा सबसे गंदा है, ये कल व्यास पूजा में गुरु जी को दूंगा। अब जब सुबह स्नान करने के लिए जाएगा, जब शौच करने बैठा तो जब मन को त्याग किया, देखा अरे ये मन तो कचरे से भी गंदा है, गुरु जी ने क्या बोला है, सबसे गंदी वस्तु देनी है, तो मन दूंगा गुरु जी को। अब जब मन को लेके जा रहा था, गुरु जी कथा सुनाते थे, जब मन को लेके जा रहा था गुरु जी को देने के लिए, तो मन ने बोला अरे रात को तो मैं कचौड़ी थी, मैं मन कैसे बनी, तेरे पेट में जाके तो मन बनी हूँ, रात को क्या खाते हैं, कितनी सुंदर सुंदर वस्तु खाते हैं, रबड़ी, मालपुआ, कचौड़ी, लेकिन सुबह क्या बन जाता है, मन बन जाता है, कहाँ से बना,
हमारे शरीर से तो बना तो उसको समझ पाया नहीं ये शरीर कैसा है। गुरु जी बोलते थे कि ये जो शरीर है ये पैखाने की थैली है। गुरु जी शब्द इस्तेमाल करते थे कि ये शरीर एक पैखाने की थैली है, टट्टी पेशाब की थैली है। तो गुरु जी बोलते थे कि हमें क्या देना है, हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर हम गुरुदेव को कुछ दे भी रहे हैं क्या दे रहे हैं, गंदी वस्तु दे रहे हैं, अच्छी वस्तु दे नहीं रहे। तो गुरु जी बोलते थे कि जो मन है ये मन इससे भी गंदा है। इस मन के अंदर कोटि कोटि जन्मों से मल लगा हुआ है। शरीर का तो मन फिर भी साफ हो जाता है बट जो मन का मन है वो कभी साफ नहीं होता। तो गुरु जी बोलते थे कि ये जो मन है आज के दिन क्या करना है कि हमें अपने मन को गुरुदेव को देना है। और गुरु जी बोलते थे कि फिर हम क्या करेंगे, मैं तुम्हारे उस मन को तुम्हारे हृदय को बहुत अच्छी तरह साफ करूंगा और तुम्हारे हृदय को साफ करके क्या करूंगा वहां पे बड़ा सुंदर मैं निकुंज बनाऊंगा, वृंदावन बनाऊंगा। क्योंकि ठाकुर जी कहाँ पे रहते हैं, वृंदावन पे रहते हैं, वृंदावन के बाहर कभी भगवान जाते नहीं है। तो गुरु जी बोलते थे कि तुम्हारे मन को मैं बड़ा ही सुंदर एक उसमें निकुंज सजाऊंगा, उसको मैं वृंदावन बना दूंगा। और फिर क्या करूंगा, जब वो वृंदावन बन जाएगा तो राधा गोविंद तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो ये है वास्तविक व्यास पूजा। इसलिए हमारे एक गुरुवर हुए हैं भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज, जब वो व्यास पूजा के दिन अपने हाथ में थाली लेके खड़े हुए तो थाली में क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ सामने थाली है इसमें अगरबत्ती होनी चाहिए, कुछ जल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, अभिषेक के लिए फूल फल आदि सब होना चाहिए। कह रहे जब मैं अपने हाथ में व्यास पूजा की थाली लेके खड़ा हूँ पूजा करने के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी थाली तो पूरी भरी है, उसमें कोई भी उपकरण ऐसा नहीं है जिसका अभाव हो, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन जब मैं अपने मन में झांकता हूँ तो मेरा मन मना कर देता है कि नहीं मैं अभी शरणागत नहीं होगा। तो जब तक मेरा ये जो मन है, जब तक मेरा मन व्यास पूजा के लिए शरणागत नहीं होगा, जब तक मैं अपने मन को गुरुदेव के चरणों में नहीं दूंगा, तब तक ये भरी हुई थाली भी कैसी है, ये खाली ही रह जाएगी। इसलिए आज के दिन हमें क्या करना है, हमें अपने मन को गुरुदेव को देना है। और देखो श्रीमद् भागवत में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है, कहते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान ने खुद बताया है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अनेकों अनेकों साधन है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भगवान को फूलों की माला देता है, कोई भगवान को छप्पन भोग लगाता है, कोई जाके भगवान का बहुत बड़ा महाभिषेक कराता है, कोई जाके ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर पोशाक लेके चले जाता है। लेकिन ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं बताओ, आप सब लोग भक्त हो बताओ, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान खुद बोलते हैं क्या, तो शिवम सर्वभूत आत्मा गुरु शुश्रूषा यथा न अहम प्रजति व्याम तपस उपशमेन वा। भगवान कह रहे हैं जब कोई मेरी पूजा करता है हाँ खुश होता हूँ लेकिन इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। न अहम प्रजति व्याम तपस उपशमेन वा, अरे अगर कोई तपस्या करता है भगवान कह रहे हैं हाँ ठीक है लेकिन उससे भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता। लेकिन उद्धव अगर कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है, सबसे ज्यादा अगर कोई मुझे जीतना चाहता है तो क्या है उसके लिए, तो शेयम सर्वभूत आत्मा, अगर तो शेयम सर्वभूत आत्मा गुरु शुश्रूषा यथा, अगर कोई अपने गुरु की सेवा कर ले, अगर कोई अपने गुरुदेव के जाके चरणों में जाके अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दे, तो जैसे ही वो अपने आप को गुरु के पास समर्पित करता है उद्धव मैं अपने आप को उस साधक के प्रति समर्पित कर देता हूँ। देखो भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रसन्न करना है तो क्या करो, गुरु शुश्रूषा यथा, केवल गुरु को प्रसन्न कर दो। अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण को तो फिर आना ही पड़ेगा, वो बातें हैं आएंगे ही आएंगे। इसलिए हमारे संप्रदाय में आप देखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है गुरु भक्ति को। हमारे गुरुदेव इस बात को बार बार बोलते थे कि गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति, अगर किसी को कृष्ण भक्ति करनी है तो उसके हृदय में गुरु निष्ठा होनी चाहिए। और देखने को मिलता है कि कैसे हमारे गुरुवरों के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग गुरु निष्ठा थी। हमारे शिला एसी भक्ति विदान स्वामी महाराज जी अपने गुरु जी का जब उनको आदेश मिला 40 रुपए की विदेश में प्रचार करने के लिए चले गए। हमारे गुरुपाद पद्मश्री का भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज जी कैसे वृद्ध अवस्था में उन्होंने कितना प्रचार किया, कैसे हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी कितनी गुरु निष्ठा है। तो ये जो गुरु निष्ठा है ये बैकबोन ऑफ भक्ति है। और देखो एक और उदाहरण देते हैं कि देखो गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम कैसा होता है, गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम कैसा होता है, इसको बताया वात्सल्य मातृकोटिर। गुरु जी बोलते थे कि अगर मुझे इस जगत में
अपने एक शिष्य का उद्धार करने के लिए, अपने एक शिष्य का उद्धार करने के लिए अगर मुझे इस जगत में बार बार आना पड़े, बार बार, चाहे 100 बार आना पड़े, 1000 बार आना पड़े, यहाँ तक कि अगर मेरा शिष्य कभी गिर जाता है, अधपतन हो जाता है, अगर मुझे नीचे के लोगों में भी जाना पड़े, मैं अपने किसी भी शिष्य को छोड़ूंगा नहीं, सबको चोटी पकड़ पकड़ के कहाँ लेके जाऊंगा, राधा गोविंद के चरणों में लेके जाऊंगा। एक शिष्य के लिए अगर मुझे पुनः पुनः आना पड़े, मैं पुनः पुनः आऊंगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु का प्रेम कैसा है, गुरु का प्रेम है वात्सल्य मातृकोटिल। वात्सल्य मातृकोटिल का अर्थ होता है उनका जो वात्सल्य है वो कोटि कोटि माँ के समान है। कोटि माँ समझ सकते हो, एक माँ का प्रेम कितना होता है, एक माँ का प्रेम कितना होता है, कह रहे हैं गुरु का प्रेम है कोटि माँ जितना। कोटि मतलब हो गया 1 लाख। तो कह रहे हैं शास्त्र की 1 लाख माँ का जो प्रेम है अगर उसको एक तराजू में रख दो और एक तरफ किसका रख दो, गुरु का रख दो, कह रहे हैं वो गुरु का प्रेम भारी होगा। देखो इस जगत में एक प्रेम माँ का कैसा होता है, हमें कथा सुनते हैं बचपन में, आप लोगों ने शायद सुना होगा ये कि एक बच्चा जब जवान हो जाता है, अब वो उसके पास धन नहीं है, उसको धन चाहिए, तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि भाई मैं देखो बहुत सारा धन दूंगा, अगर तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के आ जा और मुझे दे दे तो मैं देखो बहुत धन दूंगा। तो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ का कत्ल करके उसका कलेजा निकालता है और उसको निकाल के बेचने के लिए जाता है कि इसको बेचने से मुझे धन मिलेगा। जब वो जा रहा होता है रास्ते में उसके पैर पे ठोकर लगती है, उसके हाथ से कलेजा गिर जाता है और कलेजे से क्या आवाज आती है, बेटा देखो कोई चोट तो नहीं लगी। एक माँ का इतना प्रेम होता है, तो सोचो लाखों माँ का प्रेम कैसा होगा, क्या हम सोच सकते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए बोल दिया कि हम हमेशा गुरुदेव के ऋणी थे, ऋणी है और ऋणी रहेंगे। अगर प्रेम की प्राप्ति हो जाए तब भी जीव हमेशा गुरु का ऋणी रहेगा। इसलिए गुरु जी जब बोलते थे कि गुरु सेवा कैसी करनी चाहिए, गुरु जी बोलते थे कि गुरु सेवा के लिए, हमारे गुरुदेव बोलते थे मैं अपनी गुरु सेवा के लिए क्या किया मैंने, हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी गुरु जी बोलते हैं कि मैं अपने प्राणों को हमेशा अपनी हथेली पे रख के चलता था, हथेली पे, कि कब मुझे अपने गुरुदेव की सेवा के लिए अपने प्राण देने पड़ जाए तो मैं एक क्षण भी संकोच नहीं करूंगा, अपने प्राणों को अपने हथेली पे रख के अपने गुरु पाद पद्म की सेवा करता हूँ। तो गुरु जी ने कैसा एक आदर्श दिखाया है गुरु सेवा का, कि कैसे गुरु सेवा करनी होती है। और हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो गुरुदेव के चरण आश्रित है, जिन्होंने गुरुदेव की सेवाएं करी है, किस प्रकार से वो गुरु जी की सेवा करते हैं। अभी अभी हम जैसे यहाँ पे पहुंचे, हम कुछ जयपुर के लोग हैं पहले पहुंच गए थे, कुछ लोग 4 बजे पहुंच गए, हम लोग 8 बजे पहुंचे, तो महाराज जी को पता चला होगा कि हम पहले पहुंच गए हैं। देखो कैसा वात्सल्य है, महाराज जी का नोएडा से फोन आया कि तुम लोग पहले पहुंच गए हो तो एक काम करो जाके नाश्ता कर लो, यहाँ पे कोई परांठे वाले एक प्रभु जी हैं ब्रजवासी, उनके जाके यहाँ पे परांठे खा लो और सबको पेट भर के खिलाना, और उनको पैसे मत देना, उनको बोल देना मैं अभी आ रहा हूँ और मैं खुद ही पैसे दे दूंगा। कितना वात्सल्य है। हम जब जयपुर से रूप गोस्वामी जी की तिथि में आते थे, जयपुर से रूप गोस्वामी जी की तिथि में आएंगे तो हमारी बस किसी कारण से लेट हो गई। अब जब लेट हो गई तो महाराज जी को चिंता हो रही है कि अगर हमें प्रसाद नहीं मिला तो क्या होगा। महाराज जी का कम से कम 10 बार ही फोन आ गया कि कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पे पहुंचे हो, अच्छा बस अंदर नहीं आने दे, पुलिस वाले को पैसे दे दो, किसी प्रकार से बस अंदर लेके आओ। और जब तक हम लोग आ नहीं गए, महाराज जी ने हमारे प्रसाद बाल्टी में रखा, वो तो खुद भी नहीं पाया था। जब हम लोग आ गए, हम लोग बैठे हैं, हमसे महाराज जी अच्छी तरह सबसे बात कर रहे हैं, हम सबको खिलाया और फिर आखिरी में खाते हैं। इस चीज को तो हमने कितनी बार देखा है। ऐसे हमारे वैष्णवों के गुण होते हैं जिसको देख के एक जीव क्या करता है, उनके चरणों में स्वाभाविक झुकता ही झुकता है। कार्तिक समय को आप सब लोगों ने देखा ही है, कार्तिक महाराज जी का कमरा कहाँ पे होता है, इस बारे तो नई बिल्डिंग बन गई, इससे पहले जो पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पे रसोई थी, रसोई के ऊपर छोटा सा कमरा था, बाथरूम के लिए भी सुबह जाके लाइन में लगना पड़ता था। तो हमने महाराज जी को बोला, महाराज जी गोवर्धन में इतना बड़ा मठ है, इतने सारे कमरे, आप इस छोटे से कमरे में क्यों रहते हो और यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है, बार बार वहां जाते हो और वहां पे लाइनें और लगी रहती है। तो महाराज जी मुझे क्या बोलते थे, देखो भाई बात ऐसी है कि महाराज जी के कमरे के आगे ही प्रसाद होता है। महाराज जी बोले कि मैं अपने कमरे के आगे जब तक सबको प्रसाद नहीं करवा लेता, कोई खाली पेट में रह जाए, मेरे से खाया नहीं जाता। अगर मैं वहां पे चले जाऊंगा तो फिर मैं बार बार इतनी दूर कैसे आऊंगा प्रसाद का वितरण देखने के लिए। दिन में 3-3 बार वितरण होता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। तो कैसे महाराज जी वहां पर खुद खड़े होकर पहले सबको खिला लेंगे और फिर अपना आखिरी में खाते थे। तो कैसे हमारे वैष्णवों के गुण है।
अभी मेरे को महाराज जी एक बार बता रहे थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया और मैं एयरपोर्ट पे काफी देर प्यासा बैठा था। मैंने कहा क्यों? महाराज जी बोले वहाँ पानी की बोतल बहुत महंगी है, $3 की है, 150 या 180 रुपए की होती है। मैंने कहा महाराज जी आपके पास कोई भी आता है किसी भी मंदिर की सेवा के लिए, आप उसको लाखों रुपए बांट देते हो, आप अपने लिए 150 रुपए की पानी की बोतल नहीं खरीद सकते? महाराज जी कहते हैं नहीं, मेरे से खरीदी नहीं जाती। कई बार हम महाराज जी को बोलते हैं महाराज जी प्यास लगी है, हम सीधा एकदम पानी खरीद के आ जाते हैं। महाराज जी को 20 रुपए की बोतल भी खरीदी हो तो महाराज जी कहते हैं कुछ नहीं होता, 5 मिनट तो हम पहुंच जाएंगे, उसके भर के यहाँ पी लेंगे। तो कैसे एक एक पैसा गुरु वैष्णव की सेवा के लिए बचाते हैं, एक एक पैसा, एक एक पाई पाई। हमने देखा कार्तिक में महाराज जी को बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए देके जाते हैं, तो हम लोग जो ब्रह्मचारी हैं महाराज जी के पास रहते हैं तो महाराज जी हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। और जब भी देते हैं क्या बोलते हैं, अभी कार्तिक में कोई माता कुछ बर्फी बना के लाई थी, तो महाराज जी जब भी देते हैं साथ में ये बोलते हैं देखो सुंदर प्रभु भोग जरूर लगा लेना, बिना भोग के मत खाना। अब कोई और होगा तो दे भी तो सकता है, लेकिन महाराज जी को उस जीव की कितनी चिंता है जो बना के लेके आया है। कह रहे हैं वो इतने प्रेम से ठाकुर जी के लिए बना के लाई है, बिना भोग लगाए मत खाना, भोग लगा के खाना, दो दो तीन तीन वाली बोलते हैं नहीं भोग लगा के खाना। तो किस प्रकार से हर जीव की कितनी कितनी परमार्थिक चिंता करते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं जयपुर के, कुछ समय मठ पर रहे थे 2-4 दिन, फिर किसी कारण में वापस जयपुर चले गए मोहित प्रभु। मेरे को जब भी महाराज जी फोन करते हैं पूछते हैं वो मोहित प्रभु कैसे हैं, वो ठीक तो है ना, भजन तो कर रहे हैं ना, जयपुर के जो जो बच्चे हैं उनके बारे में फोन करके मेरे से पूछते रहते हैं। अच्छा तो उनको क्लास तो देते रहते हो ना, उनको क्लास देना, उनको श्लोक याद कराना। हमारे एक और प्रभु जी आए हैं जयपुर, दाजी प्रिंसिपल है कॉलेज के वहाँ जयपुर में, महाराज जी कई बार मेरे से पूछते हैं तुम उनको क्लास देने जाते हो ना, उनको कुछ सिखाते हो ना गुरु जी की शिक्षाएं। तो कैसे एक एक चीज की चिंता रहती है गुरुदेव को। हमारे गुरुदेव की हमने देखा, जब हमारे गुरुदेव की व्यास पूजा हुई थी, गुरुदेव के पास मथुरा में व्यास पूजा में मिलने के लिए हजारों लोग आते थे, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती थी। लेकिन गुरु जी को हर शिष्य के बारे में पता होता था, अपने हर शिष्य के बारे में पूछते थे, अच्छा बेटी तो कैसी है तेरी, उसकी शादी हो गई, तेरी बेटी की शादी हो गई, तेरे बेटे का अच्छी तरह नौकरी लग गया, एक एक के बारे में इतनी गुरुदेव के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ तक कि जब गुरुदेव की कार्तिक परिक्रमा होती थी, कार्तिक परिक्रमा अगर आप लोगों ने देखी हो हजारों लोग होते हैं, नवदीप परिक्रमा में तो 8 से 10 हजार लोग होते हैं, तरफा में कौन नहीं बैठा गुरु जी को पता चल जाएगा। हमारी रामलेखा दीदी है, वो बोलती है जब मैं गुरु जी को प्रणाम करने जाती थी, जिस दिन मैं कथा में नहीं बैठी अगले दिन मुझे संकोच होता था कि जाऊंगी तो गुरु जी साथ साथ डांटेंगी कि कल तो कथा में क्यों नहीं आई। सोचो 8,000 लोग बैठे हैं तब भी उनको पता है कि कौन कथा में आया है कौन नहीं आया। तो ऐसे हमारे गुरुवर्ग हैं और हम लोग इतने सौभाग्यवान हैं क्योंकि जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने वेद दिए, लेकिन वेदों का भी जो सार है वो हमें किसने दिया, हमें प्रभुपाल जी ने दिया। परमहंस वरम परमार्थ पते पतितो धरणे कृत वैश्यते। हमारे प्रभुपाल जी कैसे हैं परमहंस वरम, हमारे सारे गुरुवर्ग देखो कैसे हैं परमहंस वरम। हंस क्या करता है, दूध और जल में से क्या अलग कर लेता है, दूध अलग कर लेता है जल अलग कर लेता है। तो कह रहे हैं हमारे गुरुवर्ग है परमहंस वरम, यानी कि हंसों में भी परम हंस है, हंसों में भी परम हंस वर्ण, उनके लिए भी वर्ण्य है। तो ऐसे हमारे गुरुवर्गों ने क्या किया, जो जितने भी शास्त्र है, शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या है भक्ति। लेकिन दूध का भी कुछ सार होता है या नहीं होता, दूध का सार होता है मक्खन, मक्खन का सार होता है घी, घी का कोई सार नहीं है। उसी प्रकार से जो सारे शास्त्रों का सार है वो है भक्ति। लेकिन अगर भक्ति में भी देखा जाए तो कौन सी भक्ति, कृष्ण की भक्ति। कृष्ण भक्ति में भी अगर देखा जाए तो कौन सा रस, उन्नत उज्ज्वल रस जिसको बोलते हैं, जिस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण की सेवा करी है श्रृंगार रस। तो हमारे गुरुवरों ने हमें कैसे जो शास्त्रों का सार का भी सार का भी सार है, जो शास्त्रों की सबसे ऊंची वस्तु है उन्नत उज्ज्वल रस, कैसे हमें हमारे गुरुवरों ने ये वस्तु दी है। इसलिए हम सब लोग आज के दिन क्या करेंगे, व्यास पूजा करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग व्यास पूजा करेंगे, जैसे हमारे गुरुवरों ने करी है, अपने मन को अपने गुरुदेव के चरणों में देंगे, उनकी सारी वाणी को पालन करेंगे। और कुछ कुछ जो गुरुदेव की शिक्षाएं हैं, हम सब जो भक्त लोग हैं गुरुदेव ने हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक तो हम सब लोग माता कर देनी है, लेकिन एक दूसरी वस्तु जो प्रायः लोग नहीं करते वो है बुक रीडिंग। गुरुदेव इस चीज के ऊपर कोना कोना फोकस करते थे कि हम सब लोगों को महाप्रभु की अगर धारा में आए हैं तो हमें महाप्रभु की धारा में आने के बाद हमें महाप्रभु के विचारों से अवगत होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि महाप्रभु के विचार क्या है। उसके लिए गुरु जी ने क्या व्यवस्था बनाई है, उसके लिए गुरु जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है
कि हमारे घर तक उन रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जो छठ गोस्वामी है, उन रूप रघुनाथ की वाणी, रूप रघुनाथ की वाणी गुरु जी ने हमारे घर घर तक पहुंचाई है। कैसे पहुंचाई है? भागवत पत्रिका के माध्यम से। आप लोग जानते हो कि हमारी भागवत पत्रिका गौड़ीय मठ से निकलती है, तो ये जो भागवत पत्रिका है गुरुदेव इसको रात को बैठ बैठ के लिखते थे, अपने सब शिष्यों को बोलते थे कि भागवत पत्रिका मेरे जाने के बाद बंद नहीं होनी चाहिए। और अभी ऐसी स्थिति है कि हमारी जो भागवत पत्रिका है बहुत उसके मेंबर्स कम हो चुके हैं, पहले तो कुछ लोग पढ़ते थे, अभी लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो गुरु जी की ये विशेष इच्छा थी कि जितने भी मेरे भक्त हैं, मतलब गुरुदेव के चरण आशीष शिष्य हैं, वो सब भक्ति में आगे बढ़े। इसलिए जो हमारी भागवत पत्रिका है, आप सब लोग आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव को क्या दे सकते हो? हम कुछ नहीं दे सकते। हम गुरु जी बोलते थे कि जो मैं देने के लिए आ रहा हूँ, अगर तुम इस चीज को ग्रहण कर लोगे तो मैं समझूंगा मेरी पूजा हो गई। गुरुदेव इस जगत में जो सिद्धांत देने के लिए आए हैं, जो शिक्षाएं देने के लिए आए हैं, अगर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी उसको ग्रहण करने से ही व्यास पूजा हो जाता है। केवल आरती घुमाने से होगा नहीं और फूल माला देने से भी होगा नहीं। जैसे महाराज जी जब कहीं पे कथा करने के लिए जाते हैं, महाराज जी बोलते हैं वहां पे हजारों लोग कथा सुनने आए थे लेकिन कथा अच्छी नहीं रही। मैंने कहा क्यों महाराज जी, जब हजारों लोग कथा सुन आए तो अच्छी क्यों नहीं रही? महाराज जी बोलते थे क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे थे जो आगे आए और जिन्होंने बोला कि हम व्यास दर्शन छोड़ेंगे, हम हरिनाम करेंगे। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमारी गुरुदेव की शिक्षाओं को ग्रहण करता है तब जाके वास्तविक में गुरु पूजा होती है। तो इसलिए आज के दिन आप लोग जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, जिन जिनके घर पे भागवत पत्रिका आती है बहुत अच्छा है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। और जिनके घर पे नहीं आती, आप लोग आज उसकी मेंबरशिप ले लेना। और ये जो पत्रिका हमारे घर पे आती है तो हमारे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं ये क्या क्या है, ये पत्रिका साक्षात वाणी का स्वरूप है। जैसे हमारे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, हमारे श्रील गुरुदेव, श्रील भक्ति मनोहर ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इन सबके आर्टिकल्स उसमें आते हैं। और ये जो वाणी है, ये वाणी कैसी है? प्रभुपाद जी बोलती है कि ये जो वाणी है जब आपके हृदय में क्या करेगी, आपके हृदय के अंदर आके एक आक्रमण करेगी। हमारी ये जो वाणी है इसकी ऐसी शक्ति है हमारे हृदय में आके आक्रमण करेगी। और जब ये वाणी आपके हृदय में आके आक्रमण करेगी तब आपके हृदय में एक विप्लव उठेगा, एक जैसे बोलते हैं ना हड़बड़ी होती है, हड़बड़ी जैसा उठेगा। और तब हमारे जितने भी धीरे धीरे अनर्थ है वो वाणी जब हमारे हृदय में जाएगी हमारे सारे अनर्थ दूर होंगे। और तब जाके जो हमारा चित्त है वो उस वाणी के पीछे पीछे रूप गोस्वामी जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में जाके लग जाएगा। तो इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। नेताजी गौर प्रेमानंद दे हरि हरि हरे कृष्णदास प्रभु जी। कृष्णदास प्रभु जी किधर आ गए? कहाँ हैं? हमारे श्री कृष्णदास प्रभु जी ये दिल्ली में बहुत सारी जगहों में जा जा करके भगवान की कथा प्रचार करते हैं। इधर आ जाते हैं, सब लोगों को भगवान के भजन में भी लगाते हैं। हमारे कृष्णदास प्रभु जी बड़े बड़े गुरु जी, बड़े प्यारे हैं। अभी श्री गुरु जी जो हमारे कृष्णदास प्रभु हैं, बहुत जल्दी आप इनको सन्यास के वेश में भी देखेंगे। ये इन्होंने मेरे से वादा किया था कि प्रभु अगर आप मठ में चले जाओगे एक दिन मैं भी सन्यास लूंगा। तो मैं तो 8 साल हो गए प्रभु जी का इंतजार कर रहा हूँ, तब सन्यास लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में
दंडवत प्रणाम करते हुए नित्य लीला अष्टोक विष्णुपाद अष्टोक श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में जन्म प्रणाम करते हुए समस्त हरि गुरु वैष्णव के चरणों में मेरा जन्म प्रणाम करते हुए हमारे इस मंच में पूज्य पाद भक्ति विधान सिद्धल गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में जन्म अर्पित करते हुए इस सभा में जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहने मातृविंद्र भक्तविंद सब सबके चरणों में मेरा यथनित जन्म प्रणाम स्वीकार करें। मेरी इतनी योग्यता तो नहीं है कि इस मंच पर बैठ के कुछ हरि कथा बोलो, वो भी गुरु तत्व, क्योंकि गुरु तत्व बोलने के लिए बहुत ही कटे संबंध चाहिए गुरु जी से। हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लिखूं सब पंद्राए सात समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। ये गुण ऐसा है कि स्वयं बड़े बड़े कबीरदास जी लोग जैसे भी आगे वहाँ पे जन्मत प्रणाम करते कि ये गुण हम नहीं लिख पाए, तो अब मेरी क्या योग्यता है कि मैं इस गुण को गा सकूं। फिर भी जैसे महाराज ने यहाँ पे बिठाया तो कंपन हो रही है, कुछ हो रहा है, क्योंकि हृदय में भक्ति नहीं है। तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ने बड़ी सुंदर ढंग से इसका विश्लेषण किया, क्योंकि सच में गुरुदेव की कृपा उनके ऊपर है और वो इसके अंदर भक्ति के अंदर प्रविष्ट हैं। हम लोग इस संसार में एक तरफ से माने थे कि तीन जगह से हम बंधे हुए हैं, जितने भी संसार में जीवात्मा है तीन जगह से बंधे हुए हैं। कहते हैं कि सतगुण रजगुण और तमगुण से, और आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति तीन जगह से बंधा हुआ है, ऊपर गला बंधा हुआ है, यहाँ पे बंधा, नीचे पैर, हाथ, सब बंधे हुए तीन जगह से, तीन गुणों से बना हुआ व्यक्ति है। और एक आदमी बना हुआ है और इतना कस के बना हुआ है कि वो कहते हैं खोलो खोलो खोलो, सामने जो व्यक्ति बैठे उनके बारे खोलो खोलो खोलो, अरे भाई सामने वाले व्यक्ति कैसे खोलेगा, क्योंकि वो भी तीनों जगह से बना हुआ है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए अपने हाथ पैर खुलवाने के लिए, बताइए, जो खुला हो, जिनकी हाथ पैर सब कुछ खुल के निरंतर नित्य आनंद सच्चिदानंद आनंद में रहता हो, हम ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो खोल सकता है। अभी प्राय हम जितना भी संसार पे लगभग जितना भी 99.9 की व्यवस्था हालत यही है कि हम तीन गुणों से बने हुए हैं। तीन गुण कैसा, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण से बने हुए हैं। और आज वेद व्यास जी की जिस व्यास गति की हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो तिथि है, जो उत्सव मना रहे हैं, अब ये और इसके अंदर जितने भी हमारे गुरुवर हैं, जैसे हमारे प्रभु जी ने बताया कि ब्रह्मा जी से लेकर हमारे गुरुदेव तक यानी कि महाराज जी तक भी जो है ये परंपरा चली आ रही है, आज इन्हीं की ही पूजा की जाएगी। वेद व्यास जैसे महाराज जी ने भी बताया, प्रभु जी ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने उस ग्रंथ को, उस वेदों को आगे रचना करके इस चीज को बढ़ा के हम जैसे जीवात्मा जहाँ पे हम लोग के योग्यता नहीं है, कभी हम पढ़ सकते हैं संस्कृत के एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते, मैं तो नहीं पढ़ सकता, हम जैसे लोगों को भी उन्होंने ऐसी कृपा करी, हम जैसे भगवान से विमुख जीव, हम भगवान से विमुख हो चुके हैं, संसार की भोग विलास में, आहार निद्रा भय मैथुन में इतना हम इसके अंदर रम गए, इतने रम गए कि बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म जात बार बार मृत्यु, और इसमें रमे जा रहे हैं 84 लाख इंद्रियों तक रमते जा रहे हैं। और हम जैसे जीवों पे कृपा करने के लिए आज ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय साक्षात यहाँ पे महाराज जी हम लोग को देने को आए, हम जैसे भक्त जीवों का जो तीन जगह से हम लोग बने हुए इसको खोलने के लिए आए हैं, तो बड़े सौभाग्यशाली है कि हम यहाँ भी विराजमान है और इस तिथि को ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के अनुगत में मना रहे हैं। क्योंकि जिस तत्व की हमारे अभी सुंदर गोपाल प्रभु जी ने बोला कि जिस तत्व की उन्नत गुज्जर रस की जो हम बात करते हैं, ये किसी और संप्रदाय में नहीं है, वो सिर्फ गौड़िया संप्रदाय में ही है। तो गुरु जी की बात जैसे हम करते हैं कि एक और श्लोक में कहा गया है कि जैसे बाहरी लोग आम सनातन धर्म मंदिर में बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। पहले तो गुरु कौन, गुरु ऐसे तो हमारे शास्त्र में तीन प्रकार के बताए हैं, परंतु
गुरु हमारे गोस्वामी लोग बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि पांच प्रकार के हैं, तो कई जगह चार प्रकार के, कई जगह मैंने सुना पांच प्रकार के गुरु हैं। तो पहला गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव और महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। अब परम ब्रह्मा कौन? ईश्वरम परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अब परम ब्रह्मा कौन? स्वयं ईश्वर साक्षात कौन? कृष्ण। वही कृष्ण गुरु के रूप में हमारे हृदय के अंदर वास करते हैं, जिनको बोलते हैं चैत गुरु। पांच प्रकार के गुरु यहां पे एक जगह बोला गया, जिसको बोलते हैं चैत गुरु। चैत आपकी चेतना को जगाते हैं। जगाते कैसे हैं कि नहीं बेटा देख गलत काम मत कर, देख बेटी चोरी मत कर, निंदा मत कर, इस संसार में ऐसे समय को व्यतीत न कर, क्या कर, जा संतों के चरणों में जा। इस तरह से चैत गुरु जो हमारे हृदय में भगवान स्वयं स्वयं परम ब्रह्मा हमारे हृदय में गुरु बन के हमें जगाते हैं कि गलत काम मत कर। वो सबको समझाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमें ही समझाया, तो जितने भी संसार में जीवात्माएं मनुष्य हैं इस सबको सब आदेश देते हैं। अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है और अंदर आत्मा है, इधर चेतन शरीर इधर जड़ शरीर है, तो इस उनको अंदर से ये आवाज देते हैं कि चोरी मत करो, झूठ मत करो, जुआ दास मत खेलो, जीव हत्या मत करो, ये सब के सब आदेश देते हैं। परंतु कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता। और जिन्होंने माना वो आगे, जिन्होंने माना वो आगे, जिन्होंने अनसुनी करी वो भी संसार में घूमी रहे, उनको आज की जो तिथि है उससे कोई लेन देन नहीं है। उसी संसार में आहार निद्रा भय मैथुन, किस तरह से हमने शाम को और अपनी काम वासनाओं के लिए लगना है, किस तरह अपने इंद्रियों को तृप्ति करना है, किस तरह से अपने इंद्रियों को और प्रबल करके तृप्ति करना है, उसी तत्वों में लगे हुए। और जिन्होंने इस चैत गुरु की बात को सुन ली वो धीरे धीरे उनके ऊपर कृपा हुई। और कृपा कैसे हुई? क्योंकि जो गुरु बन के साक्षात रूप में आ रहे हैं वो भी तो स्वयं ही है, वो भी भगवान स्वयं है। दो तरीके से आते हैं। देखो सनातन शिक्षा के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह बताया सनातन शिक्षा के अंदर कि देखो भगवान ने छह तरह के अवतार होते हैं। छह तरह के अवतार कौन से थे? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, और गुण अवतार के बाद युगा अवतार, मन्वंतर अवतार, और लास्ट में है सत्तावेश अवतार। जय जिस व्यास देव जी की, जिस व्यास गति की परंपरा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कई बार सत्तावेश यानी कि किसी जीव के अंदर भगवान स्वयं अपनी शक्ति डाल के भेज देते, स्वयं शक्ति डाल के साक्षात रूप में उसको भेज देते हैं, जिसको बोलते हैं सत्तावेश अवतार। तो उस सत्तावेश अवतार स्वयं गुरु बन भगवान स्वयं एक जीव के अंदर वास लेके आवेद करते हुए संसार में आते हैं। तो इसलिए इधर चैत गुरु ने भी आदेश दिया, साक्षात रूप में भगवान भी क्या करे सत्तावेश रूप में आगे लेने के लिए। तो अब वो कैसे? तो उसकी चैत गुरु की धीरे धीरे जैसे आदेश मिली तो आगे अपने आप एक क्या पथ प्रदर्शन गुरु मिल जाते हैं। आगे एक पथ प्रदर्शन यानी कि रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला गुरु आगे मिल जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे आए, किसी ने मार्ग जरूर दिखाया होगा, परंतु आदेश पीछे से ही है, क्योंकि आदेश पहले हृदय में भगवान ने बोला, परमात्मा ने बोला, और इधर स्वयं सत्तावेश रूप में आके विराजमान है, और परमात्मा और इधर सत्तावेश रूप में, तो दोनों को है तो एक ही चीज है, एक ही चीज, परंतु इधर प्रकट रूप में है, उधर हृदय के अंदर है, वो हृदय के अंदर आवृत हुए, अंदर ढके हुए हैं, और इधर साक्षात रूप से आ गए। इसलिए जैसे आप यहां तक आप पहुंचे हैं तो किसी ने बोला प्रभु जी देखो वहां पे हरे कृष्ण का कीर्तन होता है, देखो वहां पे गोड़िया मठ वाले आते हैं, देखो वहां पे महाराज जी बड़ी सुंदर कथा करते हैं, देखो वहां बड़ी सुंदर भागवत चले चली ना चली, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मार्गदर्शन वही गुरु जो सत्तावेश रूप में आए हैं वो उनकी कृपा, और अंदर से जो चैत गुरु ने आदेश दिया उनकी कृपा, वो कृपा ऐसी जगह जाते किसी न किसी के मुख से वो निकल जाते हैं, और आप पथ प्रदर्शन करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पे क्या हो रहे हरि कथा हो रही, जहां पे हरि कीर्तन हो रहे आप लोग वहां तक आ गए। वहां तक आने के बाद वहां पे उसको बोलते हैं जहां पे हरि कथा करके जो वैष्णव लोग हैं हरि कथा सुना रहे हैं, तो कई बार जो सुनाने वाला उनको कहते हैं कि वही जो गुरुदेव है उनका एक स्वरूप होता है श्रवण गुरु। श्रवण गुरु यहाँ पे
जो सुनाते हैं। पद्मपद्मसन गुरु जो है, पद्मपद्मसन गुरु, इसमें कहा गया कि यहाँ पे रामचरितमानस किन्होंने लिखा, तुलसीदास जी ने। तो उसमें एक उदाहरण गया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का उदाहरण कैसे है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो जैसे सावन का महीना आ गया तो अपने मायके चली गई और मायके नदी के पार उस पार था। अब वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, उस टाइम वो गुरु नहीं थे, गृहस्थी में थे। इतना प्रेम था, इतना आसक्त थे कि सावन का महीना, सावन में वो चली गई और इतना बाढ़ आ गई, इतना बारिश हुई और इतना बाढ़ आ गया और उनके अंदर इतना पत्नी से आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए कि इतनी बड़ी नदी बाढ़ बहती आ रही है परंतु वो उसको पार करने की सोच रहे कैसे पार करे। परंतु क्या है, मन के अंदर जब हमारी काम वासनाएं आ जाती है, मन के अंदर भोग वासनाएं आ जाती है, फिर हम कुछ देखते नहीं है। उन्होंने नहीं देखा, देखा कि उस बाढ़ में एक लाश बहती आ रही है, उस लाश को पकड़ा, उन्होंने सोचा कोई लकड़ी है, उसी के ऊपर उन्होंने बैठ गए और उसी के ऊपर ऐसे तैरते तैरते उस बाढ़ रूपी इतनी बड़ी नदी को पार कर गए। पार करते करते जब उनकी कुटिया में वहां पे पहुंचे, मायके में जहां वो थी, तो उन्होंने देखा कि इतना बारिश, आंधी तूफान और इतना बाढ़ की नदी इन्होंने कैसे पार किया, कितनी आसक्ति। तो उन्होंने एक बात वहां पे बोली, काश ये आसक्ति तुम्हारी हरी से होता, काश ये आसक्ति तुम्हारी हरी से होता तो तुम्हारी जो हरी मिल जाते तुम्हें, इतनी आसक्ति तुम्हें प्रेम उनके साथ होता तो तुम्हें हरी मिल जाते। तो उसी टाइम उनके अंदर क्या हुआ, ज्ञान हृदय में प्रवेश कर गया। तो उसी टाइम वहां से निकल पड़े और निकल पड़ के भगवान राम की भक्ति करी। उन्होंने फिर धीरे धीरे रामचरितमानस का रचना करा, वो रचना करके फिर धीरे 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 आगे इतने बड़े गुरु बन गए। जब इतने बड़े गुरु बन गए तो जब वो उन्होंने सुना उनकी पत्नी ने कि इतने बड़े आचार्य बन चुके हैं, वो फिर वहां पे दर्शन करने के लिए आई आई तो उन्होंने उनको प्रणाम किया क्योंकि पद्मपद्मसन गुरु बने हो वहां पे। तो आगे जब श्रवण गुरु, जब आप यहां तक पहुंचे, कहीं ना कहीं वैष्णव ने आपको कोई खुली कथा सुनाया होगा, वहां पे एक श्रवण गुरु, वो भी एक गुरु के रूप में बने। वैष्णव ने वहां पे कथा सुनाई तो कई बारी कथा फिर आगे स्वयं गुरु जी आगे सुनाते हैं, परंतु कई जगह वैष्णव लोग सुनाते हैं। जब आप, समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। जब उससे आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर में है शिक्षा गुरु। अब शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु में क्या अंतर है, श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु। श्रवण गुरु वो है जिनसे आपने हरि कथाएं सुनी इस संसार की, भाई ये जीवन छोटा है, चार नियम का पालन करो, है ना, इस तरह से भजन करो, है ना, ये जो जीवन है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है, जब इस तरह से जन्म होता है, इस तरह से बुढ़ापा आता है, फिर बीमारी आती है, फिर मृत्यु होता है, इस तरह से तीन गुणों की बातें, तीन तरह के दुख की बातें, इस तरह से सारी बातें जो है एक श्रवण गुरु आपको सिखाएंगे। परंतु शिक्षा गुरु के पास क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या है कि शिक्षा गुरु के पास एक खास विशेष कृपा होती है उनके ऊपर, क्योंकि जिन्होंने उनसे दीक्षा ले रखी है, शिक्षा गुरु ने जिन्होंने दीक्षा ले रखा है, वो दीक्षा देते टाइम दीक्षा गुरु ने उनको विशेष सेवा दे रखा है, अष्टकालीन लीलाओं की अंदर एक गुण भक्ति उनको दे रखा है। तो शिक्षा गुरु के पास जब आप जाएंगे तो जो शिक्षा, इससे उच्च कोटि की शिक्षा मिलेगी आपको अष्टकालीन लीला, जैसे प्रभु जी ने बताया था किस तरह से उन्नत ऊर्जा रस की प्राप्ति होती है, उस रस की प्राप्ति के लिए शिक्षा देंगे और वो शिक्षा गुरु फिर आगे दीक्षा गुरु जहां से आपने दीक्षा लेने उनकी वरण करेंगे, उनकी महिमा गाएंगे, जिनके अंदर ये हृदय के अंदर है, जो नित्य निरंतर उस उन्नत उज्जल रस के अंदर विराजमान है और निरंतर उनके दर्शन कर रहे हैं, निरंतर उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे दीक्षा गुरु की जो महिमा जब शिक्षा गुरु समझाते हैं, तो जब आपके पास में गुरु आते हैं कहां, जहां पे दीक्षा गुरु जो नित्य निरंतर इसकी सेवा कर रहे होते, वो दीक्षा गुरु क्या करेंगे आपको, वो दीक्षा गुरु जो हाथ इस संसार में, जो मन अपने संसार में दे रखा है, वो ही मन कहेंगे कि बेटा या बेटी ले तू अपना मन मुझे दे दे, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको राधा कृष्ण के चरणों में लगाऊंगा। तो तुमने संसार में दे रखा है, इसलिए अनेकों जन्मों तक तो घूम रही है, घूम रहा है ना, अब तेरे जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं पार करा दूंगा, इसके राधा कृष्ण के चरणों में देता हूं,
और ये देखे वो क्या होगा, हमेशा तुम नित्य निकुंज उस वृंदावन के अंदर तुम्हारा जन्म हो जाएगा और संसार से बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम छुड़ के हमेशा उस आनंद के पास जाओगे। महाराज जी जहां जहां भी जाते थे ना, महाराज जी श्रीमद भागवत के बाद ना एक ही चीज झोली में मांगते थे, क्या मांगते थे महाराज जी याद है, जिन्होंने महाराज जी की भागवत सुनी याद है, रुपया पैसा मांगा कभी, क्या मांगते थे महाराज जी, कहते थे इस झोली में अपने मन डाल दो, मुझे ये मन डाल दो और ये लेके मैं अपने गुरुजनों को दूंगा, वो भगवान राधा कृष्ण के चरणों में देंगे, फिर तुम हमेशा क्या हो, हमेशा आनंद में रहोगे। इस संसार में जब तक मन लगाओगे कभी आनंद मिलने वाला नहीं है, आपने लगा के देख लिया, नहीं तो जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनसे पूछो, जो 80 साल के हुए, 70 साल के हुए, जिन्होंने मन संसार कर दिया वो आनंद में है, उनसे पूछो वो कितने दुखी है। मैं तो खास करके हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी तो बड़े यंग और कॉलेज में जाते हैं, यंग लोगों को पकड़ते हैं, परंतु जैसे ही गुरु महाराज ने और महाराज ने मुझे आदेश दिया हुआ कि कुछ बूढ़े भी पड़े संसार में, कुछ बूढ़े होने जा रहे हैं उनको पकड़ो, तो ज्यादातर मेरी सेवाएं महाराज ने वहीं लगा रखा है और उन्हीं को मैं लेके, मैं बस से लेके वृंदावन जाता हूँ, उन्हीं को हरिकथा सुनाता हूँ, बाकी तो यही है। इतना करके ही आज जो वेदव्यास जी की तिथि है उनको सादर ढंग प्रणाम करते हुए, कभी ऐसा हो कि वो उन्नत उज्जल रस जो महाराज जी ने बोला कि सबसे फल फूल रहे हैं सुंदर गोपाल जी, तो मैं तो सिर्फ फूल ही रहा हूँ, फल नहीं रहा हूँ, तो कृपा मेरे ऊपर की हो कि मेरे अंदर भी ऐसी हृदय में ऐसे प्रेम उन्नत उज्जल रस अंदर तो कहीं ना कहीं स्पर्श हो। इसी प्रार्थना के साथ हरि गुरु वैष्णव के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करके, और कब ऐसा होगा कि पूरी तरह समर्पित हो जाऊं, यही कृपा की आशा रखते हुए इस वाणी को ही विराम देता हूं। वंशा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु हे वैष्णव पतिता नाम पावन देव वैष्णव नमो नमः। श्री गुरु बात पद्म की जय। हरे कृष्ण मनमम आप सब आप शास्त्र में देखो, शास्त्र में तो ये हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्र में भी लिखा हुआ है, और शास्त्र ढूंढ लो, शास्त्र में भी मंत्र शास्त्र में भी दिया हुआ है, अगर हम ये गुरु जी को पास में मंत्र लेने का क्या जरूरत है, शास्त्र क्यों, इसने गुरु जी की महिमा तो क्यों गाया है। भगवान कृष्ण जी जब ब्रज में थे भगवान, उनको गुरु जी सांझी लगी, इनके कुल गुरु हैं। जब कृष्णा मथुरा में जाते हैं, वसुदेव महाराज का गुरु श्री गंगा जाते हैं, फिर कृष्णा जब मथुरा में पढ़ने के लिए गए, फिर इनका गुरु इसको पास में करने के लिए गए थे, शांति मुनि उन्हीं को पास में गए थे, कृष्ण बनते जगत गुरु, वो तो जगत गुरु है, फिर उन्होंने गुरु ग्रहण क्यों किया है। रामायण कहते भगवान राम है, उनका गुरु कौन था, राम का गुरु जी कौन है, राम श्री वशिष्ठ जी। अब रामायण देखे होंगे भगवान राम कुछ नहीं करते थे, गुरु जी की परामर्श से ही हर काम करते थे, गुरु जी के आदेश से बगैर कोई काम नहीं करते थे, इसलिए उनका राज्य का नाम राम राज्य, उनका देश का नाम अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या, जहां कभी युद्ध नहीं होता है, उसका नाम अवध, अवध मतलब जहां पर कोई मरते नहीं है। कारण क्या है, वो जो कुछ करते थे गुरु जी की परामर्श से करते थे। गुरु जी मतलब होता है बोले गुकार अंधकार रुकार तस्वीर, हमारे हृदय की अज्ञानता को दूर करके हृदय में जो दीप आलोक जो प्रवेश करते करती गुरु जी का काम, ये श्री गुरु जी का काम है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हुए बताए, हम गुरु जी से ही क्यों मंत्र लेते हैं, अपने आप ये मंत्र को क्यों नहीं जप कर लेते, कारण क्या, उसका कारण बताए, वो इसका उदाहरण देकर समझाते हैं। जब ऐसे कुछ विशेष पेड़ होते हैं जिस पेड़ का बीज आप डायरेक्ट लेकर के बोओगे ना, देखना वो पेड़ नहीं होगा। कहते कौन सा पेड़ है, विशेष करके बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़,
आप लोग कभी भी ये दोनों पीठों के नीचे इसकी पेड़ कहीं नहीं देखोगे, कहीं नहीं देखोगे। ये दोनों पेड़ का देखोगे, दोनों किसी छत के ऊपर में देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर में ये पेड़ देखोगे। और एक एक वृक्ष बनने के लिए तीन चीज चाहिए। पहले तो मिट्टी चाहिए, उसके बाद में पानी फिर हवा, तभी कोई वृक्ष होगा। लेकिन तुम लोग देखोगे जो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ छत में होता है, जहाँ पर मिट्टी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, कभी कभी इतने जोर जबरदस्ती होता है वो छत को फाड़ देता है, इतनी ताकत है। बोले भैया ऐसे क्यों? कहते ये वृक्ष बनने का एक नियम है, वो बीज को कोई चिड़िया खाए, फिर वो बीज किसी चिड़िया के पेट में जाए, वो चिड़िया के पेट में ऐसे कुछ शक्ति है, ऐसे कुछ रस है, जब वो बीज में ये रस को स्पर्श करता है, जब वो बीज करता है ना, फिर जाकर तो वो वृक्ष कहीं बनेगा, नहीं तो वृक्ष नहीं बनेगा। कहते उसी तरह जो मंत्र है, जब तक कोई शुद्ध भक्त भी ये हृदय में नहीं जाएगा, जब ये मंत्र किसी भक्तों के हृदय में जाएगा, फिर वो भक्त जब मंत्र जप करते हैं, एक्चुअली मंत्र स्वयं, ये मंत्र है क्या चीज, कहते ये स्वयं कृष्ण है। एक्चुअली ये मंत्र साक्षात रूप में भगवत रूप में दर्शन देता है भक्तों के हृदय में। जब उनकी मुंह से ये मंत्र को सुना है, जाकर के ये मंत्र काम करता है, नहीं तो ये मंत्र काम नहीं करता। इसलिए नियम है कि मंत्र कहाँ से लेनी चाहिए, कहते किसी सदगुरु से लेनी चाहिए। हाँ देखो, और एक बात है, कहते ना गुरु तो करनी चाहिए, कहते गुरु करे जान के और पानी दियो छान के, गुरु करनी चाहिए जहाँ तक नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे भागवत में, गीता में, वेदों में गुरु जी की लक्षण भी बताया, गुरु कौन बन सकते हैं, कहते कम से कम तीन पात्र तीन गुण होनी चाहिए गुरु जी के अंदर में, तीन गुण होनी चाहिए। बोले क्या है? ये भागवत का एकादश स्कंध बताए, बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेयोत्तमं साते परे च निष्णातं ब्रह्मन्युपसमाश्रय। बोले पहला उनका गुण है सारे शास्त्र को जानना चाहिए। अगर ये सारे शास्त्र नहीं जानते हैं ना, हमारे मन में जो शंका है, प्रश्न है, वो उसको समाधान नहीं कर सकते, इसलिए सारे शास्त्र जानने चाहिए। दूसरा गुण क्या, क्या शास्त्र जानना सब कुछ? बोले नहीं तो जगत में बड़े बड़े पंडित पड़े हुए, कहते ये बाहर का लक्षण है, तटस्थ लक्षण है, कहते इनका स्वरूप लक्षण क्या है, असली लक्षण क्या है, कहते भजन पराया होना चाहिए। ऐसे नहीं केवल दूसरों को उपदेश देते हैं और अपना जीवन में भजन भजन भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। परेच परेच मतलब अनुभूति व भजन परायण होनी चाहिए, जो बोलते हैं वो भी अपना जीवन में उतारते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं आचार्य मान विजा बताए आची नोती जह शास्त्रार्थ आचार्य स्थापित करते हैं। आचार्य कौन है? बोले आचार्य हुए हैं जो अपना जीवन में आचरण करते हैं और प्रचार करते हैं, दोनों काम होनी चाहिए, केवल प्रचार प्रचार नहीं, आचरण होनी चाहिए। तीसरा जो लक्षण बताए, ये संसार की जो माया की जो संसार है, ये माया के संसार में उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम जैसे अपना बीवी बच्चे में आसक्ति, अगर हमारे गुरु जी भी अपना संसार बीवी बच्चे में आसक्ति, फिर हमें संसार से कैसे मुक्त निकालेंगे? इसलिए ये माया भी संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन गुण होना फिर तो गुरु बनने का वो लायक है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते इसलिए गुरु जी से, इसलिए स्वयं कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हो? कौन कौन जानते हो चैतन्य महाप्रभु का नाम? हाथ उठा तो चैतन्य महाप्रभु का नाम कौन जानते हो? कुछ माताएं हाथ नहीं उठाए, नहीं जानते। इसलिए हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है, इसलिए महाप्रभु की हम धारा में, इसलिए सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना पित्री, जब उनको पिताजी चले गए वैकुंठ वास किए, तब उन्होंने पिंड देने के लिए गया में गए, जब गया में गए तब उन्होंने गुरु जी से मिले, उनको गुरु जी का नाम क्या है बताओ? तो चैतन्य महाप्रभु का गुरु जी का नाम क्या था? कौन बोले हाथ उठा?
बोलो जोर से, कहते श्री ईश्वरपुरी विष्णुपुरी जी का नाम बहुत बड़े संत है, भगवान की गुरु साधारण बन सकते। जब महाप्रभु पिंड देवी के लिए गए तब उनको गुरु जी से मिले, जब गुरु जी से मिले महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमार जब तक प्रण देखिला चरण तुम्हार, जब आज मेरे जीवन धन्य हो गया, आज मैंने तीर्थ जो आया है तीर्थ आना सार्थकता होगी। बोले क्यों? बोले आज हमने अपना गुरु जी से मिला है, गुरु जी के हमने दर्शन किया है। बोले पिंड देने के लिए आप जो आए पिंड देने पर तो जिनके उद्देश्य में आप पिंड देखो उनका ही कल्याण होता है, लेकिन जब जीवन में एक शुद्ध साधु जीवन में जब हम किसी सदगुरु की शरण में चले जाते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं बोले तोमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खड़े भगवंत पाए हुए। जब किसी शुद्ध वैष्णव का शरण लेते हैं दर्शन करते हैं भगवान स्वयं कहते हैं बोले एक पितृगण नहीं करोड़ों पितृ पुरुषों का उद्धार हो जाता है, करोड़ों करोड़ों पितृ पुरुषों को उधार हो जाते हैं। जब किसी शुद्ध वैष्णव के चरण में जाए और हम दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हैं, इसलिए महाप्रभु अपना गुरु जी के चरण में समर्पित होकर के महाप्रभु जब कहीं वापस आते हैं ना दिन रात कृष्ण बोल करके ऐसे रोते हैं ऐसे नाचते हैं और ऐसे कीर्तन करते हैं महाप्रभु, संपूर्ण महाप्रभु कृष्ण भक्ति रस में सराब हो, संपूर्ण कृष्ण भक्ति में डूब गए महाप्रभु। इसलिए भगवान भी अपना जीवन में सदगुरु को आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान की भजन की महाप्रभु उपदेश देते। एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हमारे जो छह गोस्वामी हैं उनमें से एक गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी पाद उनका आज क्या है तिरुवनंतपुरम। हम सुनते आए हैं ब्रज भक्ति, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा गुरु आए हैं गुरुदेव आए हैं वो उन्नत उज्जवल रस, अपनी अधिकार से बात करूंगा तो मुझे उसका ज्ञान भी नहीं है, अनुभव तो बहुत दूर की बात है, पर जो गुरु वैष्णवों से कुछ श्रवण किया है प्रयास करूंगा कि सही सही रूप में महाराज जी के सामने आपसे शेयर कर दूं। हम सुनते आए हैं श्रीमद् महाप्रभु आए स्वयं भगवान आए आदेश दे रहे हैं क्या आराध्यो भगवान ब्रजेश कन्या तत्धाम वृंदावन, क्या कह रहे हैं कि कौन से कौन है तेरे तुम्हारे ईश किसकी भक्ति करनी है, ब्रजेश कन्या, ब्रजेश कौन है नंद बाबा, कन्या कौन उनके पुत्र कौन श्री कृष्ण, कौन से श्री कृष्ण वृंदावन के श्री कृष्ण, और ये वृंदावन के श्री कृष्ण अभी कल ही उनका एक रूप अपने घर में वापस गया, कौन श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी कल घुसे हैं मंदिर में, कब के निकले हुए
कौन सी तारीख को निकले थे? 4 तारीख को निकले थे और कल क्या तारीख थी? 15। वहां भ्रमण कर रहे हैं और हम गौड़िया वैष्णव के भाव से वो वृंदावन गए हुए थे। ठीक है, वो भगवान देखो, भगवान ने अद्भुत स्वरूप ले लिया। किस लिए? किसकी श्रेष्ठता दिखाने के लिए? उस ब्रज की, वहां के ब्रजवासियों की, कि ये क्या ब्रजवासी हैं, क्या उन ब्रजवासियों का प्रेम है। उस प्रेम में देख लो मेरी कैसी हालत हो गई, और उसी ब्रज प्रेम में श्रेष्ठतम जो श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, उन गोपियों की बात कर रहे हैं, उन गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठतम है भगवान की आराधनी शक्ति स्वयं श्रीमती राधिका, भगवान उस उनके प्रेम रस का क्या उनको ऐसा आस्वादन होता है मुझे प्रेम करके, उस रस को प्राप्त करने के लिए, उसका कुछ आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में घूम रहे हैं। वो त्रिलोकीनाथ संन्यास लेके और ऐसे ऐसे भाव अनुभव कर रहे हैं, विरह में छटपटा रहे हैं, कभी कई हाथ लंबे हो जाते हैं तो कभी सुकड़ के एकदम कूर्मा आकार ले लेते हैं, क्या वो भाव है। तो एक अगर हम संक्षेप में देखें तो महिमा किसकी दिखाई है भगवान ने? हर जगह ब्रजवासियों की। ये बार बार घूम के हम ब्रज में क्यों आ जाते हैं, इन ब्रजवासियों पे क्यों चले जाते हैं? क्यों? यही आधार है इस गौड़िया वैष्णव धारा का। हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य आए बार बार इस ब्रज भक्ति को दे रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य कहो या कोटि भाग्य कहो या पता नहीं कौन कौन से पूर्व जन्मों के ऐसे कुछ हमारी सुकृतियां रही होंगी या इन वैष्णवों के दर्शन करके कुछ सुकृतियां उपस्थित होंगी कि इस गौड़िया समाज में हमें जुड़ने का मौका मिला। अभी उस चीज को ले नहीं पाए हैं, अनुभव कर नहीं पाए हैं। देख लो, महाप्रभु से लेके जितने भी हमारे आचार्य आए, श्रीदा महाराज जी भी जो यहाँ पे आए, ये उसी चीज को देने आए हैं। किसको? उस ब्रज भक्ति को। वो ब्रज भक्ति जो कृष्ण को पागल किए हुए है, नचाए हुए है, कंट्रोल में किए हुए है। अब एक सवाल उत्पन्न होता है, अरे ये ब्रज भक्ति क्या ये गौड़िया वालों का ही ट्रेडमार्क है क्या? इन्हीं की ही मोनोपोली है क्या कि इसकी दुकान पर मिलेगा, किसी और दुकान पर मिलेगा नहीं? तो हाँ भाई, यही है। क्यों? श्रीला गुरुदेव, श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके जीवन में देखने को मिला। कहाँ जन्म हुआ उनका? बिहार में, बक्सर जिले में तिवारी गुड़गांव में, जैसा हमने श्रवण कर रखा। फिर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, कहाँ? नवदीप में। ठीक है, और वहां से गुरु आज्ञा हुई तो सेवा करने के लिए कहां उपस्थित हुए? मथुरा मंडल में, ब्रजधाम में आए हैं। वहां पे इस गौड़िया वैष्णव विचारधारा का ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया कि वो ब्रजवासी, वो जो अपने आप को ब्रजवासी कहते हैं, ठाकुर को अपने घर का मानते हैं। ठाकुर कौन? भगवान श्री कृष्ण, अपने घर का मानते हैं। अरे ये तो हमारा लाला है। वो ब्रजवासी हमारे गुरुदेव के चरणों में आके हाथ जोड़कर कह रहे, महाराज हम पे कृपा करो और ये ब्रज भक्ति कुछ हमारे हृदय में घुस पाए। हम इस अभिमान में जीते रहे कि हम ब्रजवासी हैं, आज आपने आके हमारी आंखें खोल दी कि ब्रज होता क्या है, ब्रजवासी कहते किसको है, ये ब्रज प्रेम क्या है, ये ब्रज भक्ति क्या है। तो ये हमारा देखो कैसा भाग्य है या कैसी सुकृतियां हैं कि हम इस धारा से जुड़े। श्रीला गुरुदेव ने वो ब्रज भक्ति ब्रजवासियों को दी। देखो रमेश बाबा आदि जितने नंदगांव के पीठाधीश, ब्रजसाना के पीठाधीश, सबने मिलके क्या कहा? अरे नारायण महाराज ने ये साक्षात एक ब्रजवासी, और उसी ब्रजवासी की धारा से, उसी ब्रज की धारा से महाराज जी वो एक धारा यहाँ बहा लाए हैं। कहा? गड़ी में। कहाँ पे? इस गड़ी में, खाली गड़ी में भी, जैसा हम सुन रहे थे ना, कहाँ कहाँ ये सुगंध जा रही है, ये धारा कहाँ कहाँ प्रवाह कर रही है, पूरे विश्व में। तो अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो ब्रज भक्ति, वो ब्रज प्रेम पाने की हल्की सी भी चाह है, तो याद रखना इस धारा से बाहर कदम मत रखना। इस धारा से बाहर कदम रखा तो बाहर दूसरी धारा चल रही है,
वो कौन सी धारा चल रही है? भगवान की ही दूसरी शक्ति की धारा चल रही है, महामाया शक्ति की धारा। बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। उसके थपेड़े लग रहे हैं, किस किस को लग रहे हैं? क्या हो गया? नहीं लग रहे? सब आनंद में। अरे क्यों? क्योंकि सब ब्रज धारा में, गौड़िया धारा में। अरे भाई हमें नहीं लग रहे हैं, हमें महाराज जी ने, शिला गुरुदेव ने, शिला गुरु, पूरी गुरु परंपरा ने आगे खींच के। याद रखना, किसी को रात को सपना आया था, हाय 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 गौड़िया है, गौड़ियों के पास जाना है, वहीं ब्रज भक्ति मिलेगी। किसी को ऐसा स्वप्न आया नहीं। महाराज जी घर पे आए हैं और बोल रहे, भैया तू क्या कर रहा है? क्यों अपना मनुष्य जीवन खराब कर रहा है? आओ इस मनुष्य जीवन का कल्याण कर लो। क्या भगवान स्वयं कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यह नरदेह मिला है तुझे, हाँ इसको क्या कर? सदगुरु चरणों के आश्रय कर और मेरी भक्ति कर, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। और इसी संदेश को लेते हुए, सनातन धर्म के उस गौड़िया प्रचार को लेते हुए महाराज जी घर घर जा रहे हैं। आप महाराज जी के घर आए हो कि महाराज जी आपके घर आए हैं, बताओ? तो मेहनत किसकी है? कितने बच्चे हैं आपके, बताओ? अम्मा कितने बच्चे हुए आपके? आप दो, आपके चार, दस, बारह से ऊपर किसी के हैं? अगर हंसने लग गए, चलो कुंबा जोड़ लेते, 25-30 महाराज जी के बच्चे की। हमारे एक बच्चे की टेंशन देखो कैसी हो जाती है, और महाराज जी देखो असंख्य बच्चों की टेंशन ले रहे हैं, असंख्य। बुक सुंदर गोपाल प्रभु जब बता रहे थे ना, तो हृदय में यहाँ पे ऐसा कुलकुल कुलकुल हो रहा था। मैं कहा मेरे को माइक मिले, मैं भी बताऊं क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसा प्रेम दे रहे हैं महाराज जी। सच्ची बोल रहा हूँ, भक्ति भक्ति मुझे अभी समझ में नहीं आती, बोटी बुटी है वो, पर जो ये प्रेम है, ये गौड़ियों का जो ये प्रेम है, गौड़िया वैष्णवों का जो ये प्रेम है, ये खींच के रखा हुआ है। अभी हरिनाम में रुचि नहीं है, गुरु निष्ठा पता नहीं क्या होती है, पर ये जो इनका प्रेम है ना, इसने खींचा हुआ। बस हम यही आज कह रहे हैं, सब कुछ महाराज जी को दे दो, दे दो, दे दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, महाराज जी आप ही हमें ये प्रेम दे दो, दे दो, दे दो। मेरे बस की नहीं है कि मैं अपना कुछ दे पाऊंगा, इस प्रेम में, इस धारा में हमें पकड़ के देखो। एक एक अष्टकम है, रोज गाते हैं सुबह सुबह, गुरु अष्टकम सब गाते हैं, सब गाते हैं। कहां से शुरू होता है? संसार दावानल। और कहां पे खत्म होता है? विष्णु चतुर्थी पाठ ने केवल एक गुरु अष्टकम में ही पूरे शास्त्रों का सार दे दिया। ये गुरु महिमा दिखाई उन्होंने इस गुरु अष्टकम के माध्यम से। कहां हो रहा है अंत? जनुषो अंतेव। क्या कि संसार दावानल से शुरू करा उस अष्टकम में, और लास्ट में कह रहे हैं राधा कृष्ण युगल की ब्रज में प्रेममयी सेवा इसी जन्म के अंत में ही मिल जाएगी अगर तुम्हारी क्या हो गई? गुरु निष्ठा। समझना, ये नहीं कहा, कुछ और चीज नहीं कह रहे उसमें, केवल गुरु निष्ठा कह रहे हैं। और कहां से शुरू कर रहे हैं कि गुरु क्या करता है इस संसार दावानल से? वैसे एक चीज पूछूंगा, हमें दावानल पता है क्या होता है? क्या होता है? आग। कैसी आग? चूल्हे पे लगी। कैसी आग? एक दुकान में लगी। कैसी? जंगल की आग। कैसे बुझती है? दो बाल्टी पानी मारेंगे बुझ जाएगी, कोई बात नहीं। टैंकर पानी मार देंगे बुझ जाएगी। अरे टैंकर, टैंकर पानी उसमें घी का काम करता है। उसमें क्या चाहिए? कि घने घने काले मेघ आ जाए, घने घनघोर काले मेघ आ जाए गड़गड़ गड़गड़ करते हुए, और आगे पहले शीतल हवाएं आए और फिर बरसे इतनी जोर से, तब जाके वो दावानल शांत हो। तो हम सब को क्या अनुभूति है कि ये संसार दावानल है? किस किस को लग रहा है ये संसार दावानल है? लग रहा है किसी को? मुझे तो नहीं लगता ये किसी को लग रहा है। अरे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा का फंक्शन, कोई बात नहीं, चतुर्मास में शादी बंद हो जाती, पर पंडित जी ने फिर भी निकाल दी। टेंशन अभी भी हो रही होगी,
कौन सी ड्रेस पहन के जाऊँ, रिपीट तो कर नहीं सकती। ये दावा ना लग रहा है, ये दावा ना लग रहा है। अरे मेरी बहन 9वें महीने से है, बच्चा होना आ रहा है, मेरी पत्नी ये है वो है, संसार की चिंताएं अभी भी क्या है, किस तरफ लेके जा रही है, माया की चक चक चमक दिखा रही है। दावा ना दिख रहा है, दावा ना दिख रहा है। किसको अपना बेटा दावा ना दिखता है, किसको अपनी पत्नी दावा ना दिखती है, किसको अपना पति दावा ना दिखता है, किसको संसार के लोग दावा ना दिखते हैं। भक्तों की बात नहीं कर रहा, वैष्णवों की बात नहीं कर रहा, अवैष्णवों की बात कर रहा हूँ। अपना बॉस दावानल दिखता हो, देख आपका बोला फेरा गया, दिख रहा है दावानल? पोता पाती पोता नाती कोई दावानल दिखता है कि आ गया फिर ये मेरे बच्चे मेरे सर पे छोड़ के चार माला खराब कर गए, दिखता है नहीं। यही हमारी एक वो है, इसी चीज को अनुभूति बनाने लाए हैं कि ये संसार जो दावानल है इसको पहले अनुभूति को। हम इतनी गुरु महिमा सुन लेंगे, हम बहुत गुरुदेव के बारे में सुन लेंगे, ऐसी लीला हुई वैसी लीला हुई, ये विचार है गौड़ियों का, वो उन्नत उज्ज्वल रस है, ये ऐसा है वैसा है, पर याद रखना ये काम कब करेगा, जब ये पता चलेगा कि एकमात्र श्री गुरुदेव ही है इस जगत में जो मुझे इस आग में से निकाल सकते हैं, और मेरे बस की इस आग में निकलना नहीं है, नहीं है और नहीं। तो पूर्णता शरणागति कब होगी, जब समझ में आ जाएगा जैसी द्रौपदी की हालत हुई थी, कैसी हुई थी, अरे पांच पांच पति है मेरे, एक भालाधारी, एक गांडीवधारी, एक गदाधारी, एक ये धारी और एक वो धारी, बचा लेंगे, कोई सा बचा पाया नहीं। अरे गुरुवर तो बैठे हैं वो बचा लेंगे, कोई नहीं बचा पाया। धृतराष्ट्र कुछ भी, कोई कुछ नहीं कर पाया, फिर लास्ट में क्या किया, कोई बात नहीं, खुद तो है दांत में दबा रखी थी साड़ी, फिर भी जा रही है, और लास्ट में बोला था खाल के, क्या बोला, हे गोविंद राखो शरण। गोविंद कौन है उस समय, उनके गुरु स्वरूप भी है। हमने कभी दिल से रोज सुबह पुकार निकलती है, पूरे दिन पुकार निकलती है, ये व्यास पूजा का उत्सव इसलिए आज हम मना रहे हैं ताकि अगले 365 दिन भी इसको रोज मनाएं, रोज रोए, रोज गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव इस दावानल से निकाल लो मुझे, मुझे निकाल लो, मैं नहीं निकल सकता कुछ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरी चेष्टा क्या है, मेरी चेष्टा यही है कि मैं अपनी लघुता को जान लूं, अपनी हैता को, मैं बहुत कुछ हूं, सारे अभिमान छोड़ दो। महाराज जी भागवत में बता देते चार प्रकार के अभिमान है हर जीव पे, कुल का, श्री, ऐश्वर्य, ज्ञान, ये सारे अभिमान छोड़ दो और समझ जाओ मैं क्या हूं, मैं केवल और केवल एक तुच्छ जीव हूं जो इस दावानल में फंसा हुआ हूं, केवल गुरुदेव मुझे निकाल सकते हैं। ये गुरु पूजा आज हम क्या कर रहे हैं, बना के चले नहीं जाएंगे, आज से हम और आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जितनी गुरु निष्ठा होगी जनुषो अंतेव। ये विश्वनाथ चक्रधिपाल जी का आश्वासन नहीं, श्योरिटी है स्टैंप लगा के कि जिसकी गुरु निष्ठा हो गई ना वो राधा रानी की सेवा में पहुंच जाएगा। गौर परमानंद हमारे बीच में एक हमारे गुरु जी की बड़ी प्यारी शिष्य है श्री राधा, श्री राधा दासी अभी डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब कैलाश में भी प्रचार करती हैं भक्ति की, अभी थोड़ी सी कुछ बोल रही थी आज सामने माइक पर। समय कम है, सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हूँ, उसके बाद श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और महाराज जी के चरण में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। क्योंकि जब गुरुदेव ने हमें थामा तब हम बच्चे ही हैं और अभी भी हैं, और वो चले गए हमें थोड़ी, अब जो हम फल फूल रहे हैं वो इनकी बदौलत फूल रहे हैं,
सुंदर गोपाल जी, रोहित प्रभु जी जब भी बात कर रहे थे कि वैष्णव जो है बड़े कृपालु और दयालु हैं, तो वो उनका वात्सल्य प्रेम के बारे में बता रहे थे। जैसे रोहित प्रभु ने बोला कि दिल खुल बुला रहा था, तो मैं भी बैठी हुई थी वहाँ पे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ भी थे, तो मेरे मन भी खुल बुला रहा था कि मैं कैसे श्रीधर महाराज जी के बारे में बोलूँ। कि कार्तिक की परिक्रमा हो रही होती है, ये कोई भी उत्सव हो रहा होता है, इतने असंख्य काम होते हैं कि उसमें हमारे सुध-बुध नहीं रहती, अपनी सुध-बुध नहीं रहती है। क्योंकि एक छोटा सा भागवत भी अगर हम आयोजन करते हैं उसमें इतनी सारी तैयारियां करनी होती हैं कि कहीं पर भी ध्यान जाता ही नहीं, अपनों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाता। और महाराज जी जहाँ पे कार्तिक और परिक्रमाओं की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो वहाँ की तैयारियों में से भी एक समय निकाल के फोन करके बोलते हैं कि तुम लोग आ रहे हो। जब इस तरह को फोन पहुंच जाता है ना, तो मतलब जैसे ही फोन उठा और महाराज जी का नाम लिखा हुआ आता है ना, तो आंखें अपने आप ही कटकवाती हैं। इतना वात्सल्य है। नहीं तो जब कहते हैं ना पिता चले जाते हैं तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो ऐसी दशा हो जाती है जब अपने गुरुदेव चले जाते हैं तो लगता है जैसे अनाथ है। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है कि एक एक वैष्णव के इतना वात्सल्य भरा हुआ है कि उनकी छत्र छाया में ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, और उनके वात्सल्य में इतना स्नेह इतनी प्रीति रहती है कि उस चीज के महसूस ही नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसे पल आते हैं जहाँ पे गुरुदेव को हम बड़ा मतलब शब्द नहीं है उस चीज को बयान करने के लिए। और एक बड़ी सुंदर बात महाराज जी ने बताई कि जो हरि नाम है, हरि नाम में सब कुछ है। जैसे पीपल के पेड़ का जो बीज है उसमें पीपल को उत्पन्न करने की शक्ति है कि उसके अंदर वो चीज समाहित है, इसी तरह से जो हरि नाम है, हरि नाम में भी सब कुछ है। जैसे महाराज ने बताया कि वही आगे जाके भी हमने कथा में भी सुना कि जो जो मंत्र है वो ही अपने आप को पूर्ण रूप सरकार दे, जिसमें रूप गुण लीलाएं सब कुछ समाहित है, लेकिन हमें वो चिड़िया चाहिए जिसमें वो चीज मिलके उस चीज को और प्रभावित कर देती है, और वो जाके पीपल का पेड़ कहीं भी जाके फलित हो जाता है। ना तो तब उसको मिट्टी की आवश्यकता होती है, ना जल की, ना वायु की, किसी भी चीज की नहीं होती है, वो पत्थर में भी उग जाता है। तो ऐसी ही प्यारी चिड़िया है हमारे श्रीधर महाराज जी, हमारे वैष्णव महाराज कि ये चिड़िया दर दर हमारे घर घर आके कहते वो हरि नाम, इसलिए हमें गुरु चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि क्योंकि वो अगर हम शास्त्रों से वो मंत्र उठा भी लें या शास्त्र हम पढ़ भी लें तो वो हमारे हृदय में नहीं जा सकते, क्योंकि जो उनके भावों को हम उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही उन शास्त्रों के शब्दों को भी कोई चाशनी में जो डुबो के हमें चखाए, जो हमें मीठा लगे, वो वैसे ही महाराज ऐसी एक चिड़िया है जिनके अंदर इतना रस भरा हुआ है कि उस रस में डुबो के जब वो मंत्र या कोई कुछ शास्त्र की कोई भी श्लोक हमारे हृदय से जब होके निकलते हैं, महाराज जी के हृदय की ओर से निकलते हैं, तो हमारे पत्थर जैसा हृदय जो है, पाषाण है, उसमें भी वो जो है अंकुरित होके एक छोटा सा फूल खिला देता है। इस तरह से मतलब वैष्णव के अंदर इतना स्नेह प्रीति इतना सब कुछ भरा हुआ है जो हमें देने के लिए यहाँ पर इतनी दूर दूर चलकर आते हैं। जैसे महाराज अभी वैष्णव ने बोला कथा में भी बोला कि एक एक जीव का ध्यान है, हमें एक जैसे रोहित प्रभु जी कह रहे थे हमें एक ही बच्चे ने नाच नचा रखा है, एक ही बच्चा होता है उसी में हम सारा दिन पागल रहते हैं, और इनके अनेक करोड़ों बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करते हैं, और एक एक को हम अपने हमारे चार बच्चे होते हैं तो एक बच्चा चला गया तो कभी ध्यान भी नहीं रहता, कभी ध्यान रहता है या तो पीछे ही पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज जी एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो ऐसा वात्सल्य जो है हमारे हृदय में बना रहे, इसी तरह से वैष्णव की और गुरु की महिमा किस तरह से हृदय में प्रकाशित होती है। पहले मुझे लगता था कि अगर एक बार कोई शरणागत हो जाता है तो शायद वो परमानेंट रहता होगा, लेकिन कभी कभी क्षणिक शरणागति भी होती है। ऐसा अनुभव हुआ कि जब हम लोग रथ यात्रा में के लिए गए तो महाराज जी का हमें संग मिला, और हमने वहाँ पे महाराज जी के साथ ही सारा जितना भी रथ यात्रा का किया, मोहिबे कथा श्रवण की और बहुत आनंद की अनुभूति ली। महाराज जी कथा में एक चीज बता रहे थे, कहते देखो ये सैलाब है वहां पे, और महाप्रभु के भावों को हमें समझाया कि कोई पागल ऐसा ना चला जाए जो भीड़ में चला जाए, बच जाए तो उनको महाराज जी को पता है या तो मर के वापस आएगा या कैसे किसी कैसी हालत में आएगा। तो महाराज जी उनको अपने बच्चों की बड़ी चिंता थी, तो कथा के उस पर बार बार समझा रहे थे कि बीच में मत जाना,
हमारा भाव है कि जैसे महाप्रभु रथ यात्रा में नाचते गाते चले गए थे, महाराजी भी हमें नाचते गाते वहां पर लेकर गए थे और लेकर कह रहे थे कि अपने हृदय में बिठा के अपने जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को, जगन्नाथ जी को अपने कीर्तन में बिठा के हमें वृंदावन पहुंचाए। बस इस भाव से खड़े होके आप लोगों ने दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी जब ये कह रहे थे कथा में, तो उस वक्त मन में विचार है कि महाराज जी आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जब मतलब डरा रहे, तो हमें उस वक्त लगा कि नहीं, क्योंकि महाराज जी क्योंकि समझ सकते हैं कि एक एक जीव जो है महाराज जी के लिए कितना प्रिय है, इसके कोई भीड़ में ना जाए तो ऐसे, तो महाराज जी हमें भी नचाते गवाते इस तरह से वहां पर लेकर गए। तो जैसे ही बलदेव हम लोग उस चौक नाचते गाते पहुंच गए, लेकिन जब गुंडीचा मार्जन वाली जो रोड आई जहाँ से रथ यात्रा आती है, वहां पे जैसे ही पहुंचे तो दिल मतलब जैसे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें लेने लगा, मन में चिंता होने लगी पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं होंगे और वहां तक पहुंच भी पाए, क्योंकि ये इंतजार 10 साल का था जब से इस परंपरा में आए, जगन्नाथ जी को जाना, गुरु वैष्णव को पहचाना, तब से एक बार रस्सी तो जैसे होता है सभी के हृदय में आती है कि एक बार तो रस्सी पकड़ के खींचना है, एक बार तो हम जरूर खींचेंगे। तो उस तरह के भाव को लेके वहां पर पहुंचे, महाराज जी की भी बात याद आ रही है कि भीड़ में नहीं जाना है। तो जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचे, वहां पे हमने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद तो सबसे पहला रथ आ रहा था बलदेव प्रभु जी का, वो बलदेव प्रभु जी का रथ आया तो अपार, जैसे समुद्र की लहरें आ रही थी, हम लोग समुद्र के पास ही ठहरे थे तो वहां की लहरों का भी बड़ा अंदाजा था, तो वहां पानी की लहरें थी, वहां पे दिखाई दे रहा था कि एक एक जीव की लहरें आ रही है ऐसे, जैसे जैसे वो बिल्कुल रथ पास आ रहा था तो वो लहर इतनी तेज बढ़ गई कि जो हमारी संकीर्तन टोली थी वो पीछे की तरफ जाने लगी। जब पीछे की तरफ जाने लगी तो अब मतलब बीच में खड़े होके मैं स्तब्ध हो गई कि अपने टोली की तरफ जाऊं या जगन्नाथ जी की तरफ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर क्या कहते हैं। वो हमें मिल गए उस पर जब ये लहर आ रही थी, उन्होंने हमें बताया दीदी वहां तो जाने की सोचना भी मत, हम लोग गलती से पहुंच गए थे तो इतनी बुरी तरह से हम फंस गए वहां से कि निकलना बड़ा दुर्लभ हो गया था और यहाँ वहाँ हाथ भी लगा रहे हैं, तो अब जो है ना मतलब वहां पे जाने का तो आप सोच भी नहीं सकते, एक पल के लिए तो लगा कि नहीं जा पाएंगे क्या, लेकिन फिर टोली हमारे जो है संकीर्तन जितने वैष्णव थे वो इतने वात्सल्य भरे कि हम लोग सारी स्त्रियों को बीच में कर लेते और आस पास का घेरा बना लेता कि कोई भी गलती से अगर एक लहर के साथ ही यहाँ टकराया तो दूसरी लहर वहां पे जाके मिलेगी, वो कुछ पता नहीं था। तो वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो पता नहीं मन में फिर भी आया, जब उन्होंने गुरु बहनों ने बोला तो गुरुदेव के वो वर्ड याद आए जो वैष्णव ने कथा सुनाई थी, कहते हैं कि एक जो भक्त था नदी पार करके हमेशा अपने गुरुदेव से मिलने और अपनी कथा सुनने के लिए आया करता था, एक दिन कथा सुनते सुनते उसको रात हो गई तो कोई भी नदी पार कराने के लिए कोई भी केवट नहीं मिला, तो उसको अपने गुरुदेव की बात आई कि अगर कभी जो अपने जिसके ऊपर तुम्हें दृढ़ श्रद्धा हो तो उसका नाम लेके तुम नदी पार कर जाना। तो उस बेचारे ने क्या किया कि उसको लगे कि वो गुरु जैसे भगवान के बारे में तो पता नहीं, राधा गोविंद कौन है मुझे पता नहीं, उनको बस इतना पता था कि जो गुरु नाम है बस गुरु के नाम पे श्रद्धा थी उसको, तो उसने गुरु का नाम लेके वो जो नदी है पार कर ली, यानी नदी पे वो चल के चला गया। तो जो कहते ना वैष्णव की कथा को अगर धारण कर लो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, तो वही कथा मुझे स्मरण आ गई कि आज वो नदी जो वहां पे वो नदी लगी थी यहाँ पे मुझे समुद्र लग रहा था, तो वही गुरुदेव के वर्ड अपने याद करके कि और जो सुनने में आया कि अगर बीच में फंस गए तो इधर उधर हाथ भी लगा रहे तो वो भी है, तब वो आया कि हम तो कृष्ण की अमानत है, तो वहां पे प्रार्थना निकली हृदय से कि कृष्ण हम तुम्हारी अमानत है, चाहो तो रक्षा कर लेना चाहे नुचवा लेना वो तुम्हारी इच्छा। और रही ये भीड़ के समुद्र की जो लहरों को पार करने की, तो वो नहीं समझ आ रहा था, तो उस वक्त तो सिर्फ गुरुदेव का नाम ही याद आया, सिर्फ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यही दो वर्ड थे, और हम सिर्फ ऐसे ही अपने आप को करके जय गुरुदेव करके उस तो अपने संकीर्तन के पीछे छोड़ के भीड़ में निकल गए। भीड़ में निकल के मेरे साथ एक और दीदी थी, शशि दीदी है, वो भी साथ में, तो बस वो कह रही थी कि दीदी हाथ नहीं छोड़ेंगे, बस हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो पहले बोले कि
इतनी भीड़ है तुम जा पाओगे? मुझे लगा मैं तो मरूंगी मरूंगी, साथ में ही स्वार्थ जीव और जाएंगे, या तो मरेंगे या जिएंगे। खुद तो सोच लिया था लेकिन दूसरे को मारने से पहले उसकी अनुमति भी जरूरी है। तो उनको बोला तो कह रहे नहीं दीदी हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो जब इतनी उनकी दृढ़ता देखी तो चलो ठीक है, दोनों ने हाथ पकड़ के हम चले। जैसे हम लोग आगे बढ़े तो वो इतनी लहर इतनी तेज थी, हाथ तो पकड़ रहा था तो लेकिन नजर पड़ गई दाऊ जी की, क्योंकि सबसे पहले वो आ रहे थे। तो लगा दाऊ जी को, तो मुझे बन रहा कि क्योंकि एक राधा कृष्ण करके सीरियल आता है तो दाऊ जी से पहले तो वो गुरु तत्व के रूप में उनको जानते थे, लेकिन वो प्रेम की अनुभूति नहीं थी, अपनापन जैसा महसूस किया। लेकिन वो राधा कृष्ण देखते देखते दाऊ से भी प्रेम हो गया, क्योंकि वो राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं, उनकी सखियों को प्रेम करते हैं, कृष्ण की इतनी मदद करते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में मन में लुभा ले, तो दाऊ जी के लिए भी हृदय में बड़ा अपार प्रेम है। तो मैंने कहा कि अगर दाऊ जी भैया को अगर मना लिया, ये अगर इन्होंने दर्शन दे दिए तो जगन्नाथ जी कहाँ जाएंगे, वो भी हाथ में आ जाएंगे। इसलिए दाऊ जी पे नजर टिक गई। वो कोई पूरी गए हो, कोई कौन कौन पूरी गए, कितने भक्त हैं? और जगन्नाथ जी रथ यात्रा कौन देखेगा? ये जो बात कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी पूरी की बात कह रहे हैं, जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा होती है उसमें कितने भीड़, इस भीड़ की जो बात कह रहे हैं, जिन लोगों ने जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन किए हो उनको ये बात अनुभव नहीं होगी वहाँ पर कितने भीड़। और सर्वप्रथम श्री बलदेव प्रभु आते हैं, श्री बलदेव प्रभु गुरु तत्व है, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा, और लास्ट में श्री जगन्नाथ जी आते हैं। मतलब है जब तक हम श्री गुरु जी की शरण नहीं लेते, सबसे पहले बलदेव प्रभु गुरु जी है, और बीच में सुभद्रा बहन ये जोग माया, ये जोग माया क्या करता है, जीव को साथ में गुरु जी के संबंध को यही जोग माया ही जोड़ देती है, इसलिए जगन्नाथ जी बाद में आती है। इसलिए ये जगन्नाथ पूरी की बात कह रही है, जब रथ यात्रा में गई हुई थी वहाँ पर कितने भीड़ थे, और भीड़ में एक बार कोई फंस जाए निकलना बड़े कठिन थे, लेकिन हम भी संसार में भी समुद्र भीड़ में फंसे हुए हैं, लेकिन श्री बलदेव प्रभु श्री गुरु जी, जब श्री गुरु जी की कृपा होते हैं तो हम श्री भव संसार से पार हो सकते हैं। ब्रज जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री दाऊ भैया की जय, श्री बलदेव प्रभु की जय। सिर्फ दो चीजें और, हमने बलदेव जी प्रभु जी को किसी तरह से वहां तक हम लोग पहुंच गए, और उन्होंने एक हमें कहते कि वहां पे जो पुलिस थी उसने हेल्प की और हमने वहां पे दर्शन किए, और बड़े आराम से वहां से दावती के दर्शन भी कर लिए, रस्सी भी खींच ली और प्रसाद भी मिल गया। इसमें बहुत सारी भावनात्मक जुड़े हैं, लेकिन समय का भाव है महाराज जी का समझते थे, लेकिन इसलिए मैं एक मेन पॉइंट पे आना चाहती हूँ। फिर सुभद्रा जी का, तो दाऊ जी को लगा कि चलो भैया ने हाँ कर दी है, तो सुभद्रा जी से भी वहां पर, तो सुभद्रा जी के भी हमें मिले थे, तो उन्होंने भी सीधा जाके हमें बिल्कुल रथ के पास ही पहुंचा के वहां से रस्सी भी खिंचवा दी, बड़ी आसानी से दर्शन, पुलिस वालों ने हमारी बड़ी मदद की और हम वहां पे पहुंच गए। अब जो लास्ट में जो जगन्नाथ जी का, जिसकी वजह से ये सब मैंने क्रॉस करके वहां पे जब हम पहुंचे, तो मुझे नहीं पता था कि तीन रथ अलग अलग चलते हैं, मुझे लगा दाऊ जी की रस्सी पकड़ ली तो मतलब सब पकड़ लिया, अब उसके बाद और जाके हम किनारे पे खड़े हो गए। हमने फिर देखा कि मैंने कहा सुभद्रा जी का जगन्नाथ जी का रथ कहाँ है, देखा तो वो दूर था, मैंने कहा वो फिर अभी दोबारा हमें फिर से रस्सी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे अलग अलग चल रहे थे, तो दोनों की रस्सी हमने पकड़ दी। अब जगन्नाथ जी की बारी है, अब जब जगन्नाथ जी के पास हम पहुंचे तो हमें लग रहा था कि उनके पास तो और अपार भीड़ थी, अपार भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पे दर्शन करना बड़ा मुश्किल था। हम लोग जैसे पहुंचे, बाकी दो जगह तो पुलिस वालों ने हेल्प की, तीसरी जगह कह रहे नहीं नहीं जाओ, मतलब कोई हेल्प ही करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर हम लोगों ने भी मतलब एक जैसे मन में ठाना हुआ था कि नहीं किसी भी तरह से हम जगन्नाथ जी के तो रस्सी तो, उन्होंने अलग से रस्सी छुआ भी दी थी लेकिन एक तसल्ली नहीं मिली थी कि जगन्नाथ जी से हम दर्शन किए भी हैं या मिले भी हैं। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो एक रस्सी पकड़ के, एक रस्सी होती है पब्लिक को हटाने के लिए और बीच में होती है उनकी रस्सी, जब वहां तक हम पहुंचे तो पब्लिक हमें भी, पुलिस वाले जब हमें कह रहे थे नहीं यहाँ पे आके पिस के मर जाओगे तुम जाओ, जाने ही नहीं दे रहे थे, तब तो रोना निकल गया, लगा कि मतलब मैंने कहा दाऊ जी ने नखरे नहीं किए, सुभद्रा जी ने, मैंने कहा इनके नखरे देखो जरा, जगन्नाथ जी मतलब दर्शन ही देने पे नहीं आ रहे हैं, और मतलब वो रोना निकल गया और वो उस रस्सी को पकड़े, तो मैंने भी, मैंने कहा तुम चाहे कितना भी दूर रहो रस्सी तुम्हें खींच के रहोगे, तो हम लोग वहां पे पकड़ के रस्सी खड़े हुए थे और इतना सैलाब आ रहा था कि लग रहा था कि वैसे रस्सी छूट जाएगी,
जब रस्सी छूटने की नौबत आ गई और मुझे एक पंडित जी जी और थे, उन्होंने कहा अच्छा जाओ तू जाके अंदर चले जाओ और दर्शन कराओ जाए। तो मैं जैसे अंदर जाने लगी तो मैंने जो मेरे साथी, मैंने उनको भी लिया, कहते नहीं नहीं वो नहीं आप ही जाओ। तो वो मेरे साथी, तो मैं अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं फिर बाहर आ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं दीदी आप मेरी वजह से मत रुको, आप चले जाना। लेकिन पुलिस वाले हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। जब पुलिस वाले भी मदद, जब मुझे लगा हर तरफ से होंठ छूट गए हैं और रस्सी भी पकड़ के और मतलब नहीं, और रस्सी कब हाथ से छूट जाएगी कुछ भी नहीं पता। तो वही कहते ना उस वक्त जो शरणा देते, जो हमने अपने हरि गुरु वैष्णव से सुना है कि कभी तो समर्पण करके देखो, कभी तो कुछ ऐसा करके देखो, देखो ठाकुर जी भी तुम्हारे सुनते हैं। तो सिर्फ वहीं पे भजन की रोते रोते सिर्फ ठाकुर जी की दो लाइनें भजन के, पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो छूट जाएंगे तुम्हारा कुछ ना मिलेगा, मगर हम लौट जाएंगे। सिर्फ यही दो लाइनें रोते रोते ठाकुर जी की तरफ हाथ बढ़ा के किया था। वहीं से किसी एक पंडित ने रथ के पास से सीधा इशारा किया कि अंदर आ जाओ। मुझे लगा कि शायद कोई और किसी को बुला रहे हैं, क्योंकि इतना सौभाग्य तो नहीं जाग सकता था कि वहां से कोई बुलाए। और उसमें देखा मैंने इधर उधर, तो कहते नहीं तुम इधर आओ। तब मुझे ना पुलिस वालों की सुधरे ना भागते हुए मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के वहां पे पहुंची। पहिया रस्सी सब कुछ छूने को मिल गया और उन्होंने मुझे तुलसी दल में प्रसादी के रूप में दी। तो उस वक्त जो अनुभूति हुई कि हरि गुरु वैष्णव में सच में जो महाराज जी ने बोला ना कि जो मंत्र वो जो रस में डुबो के जो हमें देते हैं, अगर हम उन पर विश्वास करें तो राधा गोविंद के चरण दूर नहीं है। अगर गुरुदेव के ऊपर निष्ठा हो और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास हो तो कहीं ना गुरुदेव हमारी रक्षा करते ही करते हैं। जो जगन्नाथ जी इतने दूर नजर आ रहे थे छोटे, तो उस वक्त कुछ भी नहीं नजर आ, ये थोड़ी देर के लिए चाहे शरणा गए, लेकिन उस वक्त भी ठाकुर जी ने सुना। जब करोड़ों के बीच में भी सुन के इस तरह से कर सकते हैं, तो जिस रस में डूब के महाराज जी हमें कथा सुनाते हैं, जो हमें बताते हैं, अगर उनके ऊपर दृढ़ विश्वास करके हरि गुरु वैष्णव की सेवा करके उनके ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे तो क्यों नहीं हम पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। प्रभु की ताऊ भैया की कृष्णा कन्हैया की हरि कृष्णा। दीदी ने उनकी लंबी रामायण सुना दी, मैं शॉर्ट का निकल सुनाता हूँ। हमारा भी ऐसे हुआ था, महाराज जी हमेशा मना करते हैं, नहीं जगन्नाथ जी की रथ रस्सी नहीं पकड़नी, नहीं पकड़नी, हमेशा मना करते हैं। तो हम महाराज जी का कीर्तन कर रहे थे, महाराज जी ने मना वो किया हुआ था कीर्तन के बीच में, मैंने कहा ठीक है वैष्णव लोग मना कर रहे तो नहीं पकड़ेंगे, उसी नहीं बनाई है। उस दिन में क्या हुआ, इतनी तेज की बारिश आई, इतनी तेज की बारिश, सब लोग रस्सी छोड़ के भाग गए। पुलिस वाले कह रहे भाई कोई तो रस्सी खींचो, कोई तो रस्सी खींचो, और सारी रस्सी माता जी आ गए, इसलिए नहीं जाने से ज्यादा रस्सी आती है। ठीक है, तो हमारे एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, हम लोग शीला चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप को स्वामी जी ने 64 भक्ति के अंग बताए हैं, उसको महाप्रभु ने 5 अंग बता दिए, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, एक 5 अंग। जितने की भक्ति है उसके जो सर्वश्रेष्ठ अंग है वो ये 5 अंग है। निर अपराधे के ही पाए कृष्ण प्रेम धन, अगर निर अपराध पूर्वक कोई इन 5 भक्ति के अंगों को पालन करता है तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे कि एक जीव का सबसे ज्यादा कल्याण कब होता है बताओ। आप लोग भक्ति में इतने समय से आए हो, नदी परिक्रमा जाते हो, जो नदी परिक्रमा में आनंद आता है उस आनंद के किसी उस आनंद को किसी के साथ तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते। पूरे साल इंतजार करते हैं कब नदी परिक्रमा आएगी, फिर इंतजार करते हैं कब ब्रजमंडल परिक्रमा आएगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति के 64 के 64 अंग है, अगर कोई व्यक्ति इस धाम परिक्रमा में आता है उसके 64 के 64 अंग भक्ति पालन करना हो जाता है। और सबसे ज्यादा हमारी जो बैटरी चार्ज होती है वो काफी होती है इस परिक्रमा में। क्यों? सुबह से लेकर शाम तक किसके दर्शन करते हैं? वैष्णवों के दर्शन करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ब्रज रज उड़ती रहती है, हटानी पड़ती है, इतनी मिट्टी है ब्रज में, तो ब्रज रज भी आके क्या करती है, हमारा कल्याण करती है। खाते क्या है? जब भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। सुनते क्या है? केवल कीर्तन और हरि कथा ही सुनते हैं।
तो 24/7 पूरा 24 घंटे इसमें रहते हैं, उस भक्ति की अंगों का पालन करते रहते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव की हमारे गुरुदेव हमेशा अपने सब शिष्यों को इस परिक्रमा के लिए हमेशा निमंत्रण देते थे कि इस परिक्रमा में जरूर आना। ये बैटरी चार्ज हो जाती है, 6 महीने के लिए चार्ज हो जाती है कार्तिक में, फिर जब बैटरी डाउन होने लगती है उतने में कौन सी परिक्रमा आ जाती है, नवदीप की परिक्रमा आ जाती है। तो नवदीप परिक्रमा तो अभी 4 महीने हो गए, मेरे को दिख रहा है सबकी आधी बैटरी डाउन हो चुकी है, मेरी भी होने वाली है। तो अभी इसलिए क्या आने वाला है, ब्रजमंडल परिक्रमा आने वाली है। तो हमने देखा कि हमने पिछली बार बहुत प्रयास किया था कि हम सबको कार्तिक में पूरा 84 कोस के लिए बुलाएं, लेकिन 1 महीने के लिए लोग नहीं आ पाते कि हम 1 महीना कैसे आएंगे, क्योंकि आज ऑफिस में छुट्टियां नहीं मिलती, स्कूल है, कॉलेजेस है, 10 चीजें हैं। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि हम लोग 8 दिन के अंदर पूरी 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे। कलयुग में सबको क्या चाहिए, 4G का जमाना है तो 5G आने वाले, सबको फास्ट चाहिए, अब 30 दिन तो लोग आएंगे नहीं। तो हमने करा कि 8 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरी 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे। तो उसमें 1 अक्टूबर को आप सब लोग जो जाना चाहते हैं वृंदावन पहुंचेंगे, शाम तक पहुंचो, रात तक या रात को पहुंचो। 2 तारीख से यात्रा शुरू होगी, 2 तारीख से यात्रा शुरू होगी और 9 तारीख को एकादशी है। एकादशी के दिन हम लोग सुबह गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे और दोपहर तक फिर यात्रा विश्राम हो जाएगी। आप लोग वापस जाना चाहें 9 की दोपहर को जा सकते हो, शाम को जा सकते हो, नहीं तो एकादशी में रुक के 10 तारीख को सुबह भी जा सकते हो। तो जो लोग इस परिक्रमा में जाना चाहते हैं, अभी कथा के बाद बिल्कुल गेट पे हमारे राधा रमन प्रभु जी बैठे हैं। राधा रमन प्रभु, ये राधा खड़े देखते, ये हमारे राधा रमन प्रभु जी हैं। आप इनके पास अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं जो लोग इस यात्रा में जाना चाहते हैं। और जैसे मैंने सबसे पहले बोला था भागवत पत्रिका, जिन जिनके घर पे भागवत पत्रिका नहीं आती है वो लोग भी अपने नाम इनके पास प्रभु जी के पास रजिस्टर करा देना, ताकि आपके पास घर पे भागवत पत्रिका आती रहे और आप इनको पढ़ते रहो। और अगली बार जब माइक देने की बारी आए तो महाराज जी के घर के सबको खड़ा करें कि बताओ पत्रिका में क्या पढ़ा था। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। और प्रेमानंद हरि हरि बोल। देखो प्रभु जी ने क्या बताया आपको समझ में आई नहीं, ये जो 84 ब्रजमंडल परिक्रमा है, कहते हम भगवान को भूल करके ये 84 लक्षण जन्म में भ्रमण करते हैं। 84 लक्षण जन्म में हम भ्रमण करते हैं। हमारी पृथ्वी में कितने तीर्थ आपको पता है, बोले 6 अरब। कितने? 6 अरब तीर्थ बताया।